जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज और मौज के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम अस्कर। उम्मीद करता हूं सभी दोस्त खैर आफियत से होंगे। मैं भी ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला की जात का। आप दोस्त सभी सुनाई कैसे हैं? सब ठीक हैं, सब खैरियत है, सब अच्छा चल रहा जी? रमन भाई क्या हाल है आपके? थैंक यू, थैंक्स फॉर योर ग्रेट रिस्पेक्ट एंड योर लव। थैंक्स, बंडल ऑफ थैंक्स रमन भाई। रमन फ्रॉम इंडिया, आई लव यू टू। वलीद भाई सलाम अलैकुम। गुज्जर नवाब साहब सलाम अलैकुम। बकाश इकबाल साहब सलाम अलैकुम। की हाल है उस्ताद जी? वलीद भाई आई एम टोटली फाइन, फिट फॉट। अबू बकर इम्तियाज सलाम अलैकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम। बदर मुनीर भाई क्या हाल है आपके? ठीक है। रमन भाई आपका मैसेज मुझे आ गया, आपने सबसे पहले शेयर किया वीडियो, काइंडली सभी दोस्त जरा शेयर करें, शेयर कर दें। और दोस्तों आज का टॉपिक बड़ा मजेदार है, मैंने थोड़ा सा हट के टॉपिक रखा जी। थैंक्स 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 अबू बकर इम्तियाज, लव फ्रॉम कश्मीर एंड आई लव यू टू फ्रॉम पाकिस्तान एंड लाहौर। किचन वाजा वालेकुम सलाम, क्या हाल है? डॉक्टर खुरम खान साहब सलाम अलैकुम, कीप इट अप। नदीम भाई थैंक्स थैंक्स डॉक्टर साहेब। दोस्तों आज मैंने ना टॉपिक जरा हट के रखा है, टॉपिक हट के इसलिए रखा है कि फिरतों और बाजियों में कबूतर की संभाल और सादे पारी का किरदार। ठीक है, तो जो दोस्त लाइव में साथ आना चाहते हैं आ जाए, गपशप लगाएं। आज का टॉपिक बड़ा छूता, बड़ा शानदार टॉपिक है। सादे पानी की अहमियत कितनी को थी, हम दाने पानी के पीछे संभाल में भी दुमाइयों के पीछे भागते हैं। तो आज गुफ्तगू करते हैं कि सादा पानी क्या किरदार अदा करता है जी। अल्ताफ सैन भाई अस्सलाम वालेकुम। बदर भाई मुनीर बहुत बहुत शुक्रिया। रमन भाई भाई लॉट्स ऑफ लव थैंक्स फ्रॉम इंडिया लखनऊ। ओ माय गॉड माय इंडियन फॉलोअर्स, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। लखनऊ वाले तो भाई बड़े बड़े लिखे होते हैं, उनकी जबान, उनका अंदाज, उनकी जबान, मतलब लखनवी एक अलहदा ही ट्रेंड है। दोस्तों मैं लेता हूं आप लोगों को बस दो मिनट, पहले जरा वीडियो को शेयर तो कर दो यार। यासिर साबर भाई अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वीडियो को शेयर करें, फिर मैं लेता हूं। अबासी भाई, यूसुफ अवान भाई, वलीद भाई आ गए। दोस्तों आज है टॉपिक इस पे कबूतर की संभाल के ऊपर, तो इसी पे बात करेंगे। आई एम ऑल्सो फ्रॉम कश्मीर उस्ताद जी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, कश्मीरी काफी ज्यादा बैठे हुए। डिसेंट मेयर सलाम अलैकुम भाईजान, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है दोस्तों, लेने लगूं आप लोगों को लाइव, बस
चंद सेकंड वेट कर लें, जरा वीडियो को शेयर कर दें ताकि और दोस्त शामिल हो सके हमारे साथ। फिर हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक बड़ा अच्छा है, अब्दुल हसन मोंडल, अस्सलाम वालेकुम इंडिया, कोलकाता। कोलकाता क्या बात है जी मोंडल साहेब, हाउ आर यू? 5 साल वापसी पे सादा पानी के संभाल से आगे कोई चीज नहीं है, क्योंकि सादा पानी उड़ के आए हुए परिंदे के लिए सोने से बेहतर होता है। यस जिशान शानी मलिक पीडी केसा, ये क्या है? थैंक्स, इज्जत अफजाई का डॉक्टर साहब, इट्स माय ड्यूटी एंड इट्स माय प्लेयर। अल्लाह आपको खुश रखे। जरा शेयर करें यार सभी दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दें, और जो दोस्त लाइव आना चाहते हैं आ जाएं, ठीक है? अगर अरगमान इलाही साहब मुझे सुन रहे हैं तो अरगमान साहब आपका मैं वेट करूंगा आज। यहाँ ये बहुत ठंड है उस्ताद जी, यहाँ बहुत ठंड है। अल्ताफ भाई ओके, मतलब कैश मिरवानी मेरा एक सवाल है, गर्म कबूतर और ठंडे कबूतर में फर्क कैसे पता चलता? अच्छा जी, एडे डे सवाल पूछने शुरू करते मिरवानी साहब। भाई बीट से पता चलता है, बीट से। आई एम फाइन सर, आपकी दुआ है, अल्लाह खुश रखे जी। फरहान खान साहब सलाम अलैकुम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ फरहान भाई, आप सुनाओ कैसे हो? तबीयत सेट है। थैंक्स फॉर रिगार्डिंग माय कमेंट्स, लव फ्रॉम टेक्सला डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी। ओ माय गॉड भाई, रावलपिंडी वाले तो वैसे ही मेरी जिंद जान है, तो आप टेक्सले से हैं माशाल्लाह। मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम सर, डॉक्टर रेहान फ्रॉम मीरपुर। ओ माय गॉड माय डियर ब्रदर, गुजरावालिया। जी रेहान भाई कैसे हैं आप? जी जी सर, आप अपना बेस बताए ना कहाँ से हैं? गुजरावाला से। हाँ जी बिल्कुल, आप जी राजा महबूब साहब ने आपका जवाब बिल्कुल ठीक दिया, ठंडा कबूतर बीट जानो वो सब्ज मारनी शुरू कर देता है। यही यही फर्क है, यही कबूतर की संभाल है। इसान अलाई माशाल्लाह जी, यासर साहब है, यूसुफ अवान साहब, दोस्तों आ जाए सभी दोस्त। मैं बस दोस्तों सभी को लेने लगो, जरा बीट से उसकी आंख के कलर से, उसके नाक वाले उठे हुए बालों से ठंडे कबूतर का पता चलता है। रमन भाई अगर मेरे नाम से वीडियो शुरू ना हो मजा नहीं आता। ये जी बिल्कुल बिल्कुल रमन साहब, आई एम एग्रीड विद यू, अब मजा मुझे भी नहीं आता, अक्सर ढूंढता रहता हूँ आपको किधर रह जाते। अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम सरगोधा अमजद अम्मू साहब, क्या हाल है अम्मू साहब, तबीयतें कैसी हैं आप लोगों की? सेट है, फिट फाट है दोस्तों? जरा शेयर करो वीडियो को ताकि और दोस्त शामिल हो सके हमारे साथ, आपके कलर से ताकि और दोस्त भी शामिल हो सके। फिर आगे बढ़ते हैं अपने टतनवीर, घर बैठे वीजा अप्लाई करो, ये चोर है इससे भाई करीब भी ना जाना इसके। दोस्तों एक चीज आप लोगों को बता दूं, ये जो अक्सर मेरी लाइव वीडियो के अंदर आ जाते हैं तनवीर अहमद जैसे बंदे के भाई वीजा घर बैठे, ये सब फ्रॉडी होते हैं। अक्सर मेरी दोस्तों से बात होती है, ये 5-10 हजार लेके गायब हो जाते हैं। आज एक सवाल मेरी तरफ से, कबूतर घूमता हुआ सिंगल पट्टी की दुम गंट ब्रीक है और हाथ में आते वक्त दुम खोलता, उससे बेटर समझे या खराबी? भाई जान ये खराबी होती है, ये खराबी होती है। अमजद अम्मू साहब, नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम, आप सुनाए? मैं ठीक हूँ जी। वकास इकबाल भाई, नदीम भाई, अच्छा जी नदीम भाई, किसी ने कबूतर की नस्ल की पहचान का टॉपिक, भाई जान जरूर रखूंगा, बड़ा लेंथी बहुत बड़ा टॉपिक है ये। राना मोहित साहब क्या हाल है आपके जी? यासर साबिर साहब ले जी, यासर साबिर साहब ऐड कर रहा हूँ आपको, गुफ्तगू करते हैं जरा, वीडियो को शेयर करके आग रहे यार, यार यार आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, वीडियो को शेयर करके आग रहे आ जाए अब ले जी। यासर भाई क्या हाल है आपके? सलाम अलैकुम। वालेकुम आप कैसे भाई जान? जी क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे जो भाई देख रहे हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम, बड़ा जबरदस्त टॉपिक रख लिया आपने, बड़ा भला होगा आज न्यूकमर्स का। सर इससे बड़ा टॉपिक है ही नहीं, मैं ना अक्सर ये दोस्तों से बात होती है ना तो बात पर करते हैं, उस्ताद जी कबूतर दी संभाल दसो,
और दवाइयां भी दसो, और कबूतर दी संभाल पानी तो उत्ते होंदी नहीं, होंदी नहीं। मेरा अपना जाती तजर्बा है, तो आज आप दोस्तों से भी ये चीजें लेनी है कि भाई कबूतर की संभाल करनी कैसे है, इब्तिदा क्या है, क्या इंतहा है, इस हवाले से चलेंगे। ठीक अमीन हो भाई, गया। फलाम नाला उमान, डॉक्टर खुरम भाई, नदीम भाई, ये सवाल जरूर करें। वालेकुम सलाम। माजिद हुसैन चिश्ती सियालवी, माशाल्लाह जी, वालेकुम सलाम। अमजद, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। अच्छा दोस्तों, अगर कोई दोस्त और लाइव आना चाहता है, क्योंकि मुझे इजाजत है 3 बंदे उठाने की, 2 मैंने उठा लिए हैं, और आज इंतजार रहेगा मुझे अकमल भट्टी साहब का, अरगमान इलाही साहब का, और उस्ताद बासी साहब का। एक वो ऐड करूंगा इंशाल्लाह, शाहिद तनहा पीटीआई, माशाल्लाह जी, क्या हाल है शाहिद भाई, नसीम अनवर साहब, अरगमान और भाई तो जाबली वाला शायद काम पे नदीम होंगे, साहब। अभी तक तो अरगमान हाँ भाई तो जॉब पे होंगे अभी। नहीं, सारा छुट्टी है, अच्छा वही यूरोप हाँ जी, रहते आज हैं छुट्टी, भाई। सैटरडे छुट्टी है। छुट्टी के जी आज सैटरडे, जी नहीं यार, अभी मिलन वैसे भी पार्टी हम पुराने की। हो गए ना। अच्छा, कोई मानसारा नहीं जो से हम लोग बात रहते हैं ना यूरोप में, हम लोग यूरोप में जी, रहते हैं तो सैटरडे को हमारा बिजी होता है, फैमिली को टाइम देना पड़ता है। बिल्कुल बेटी भी है है माशाल्लाह ऐसे। उनकी, जाहिर बात है फिर बच्चों को टाइम देना पड़ता है, बाहर लेके जाना पड़ता है, वो इंतजार कर रहे होते पूरे हफ्ता। अच्छा हाँ नदीम बिल्कुल भाई, जो आपने टॉपिक रखा है इसकी तरफ आते हैं भाई, काफी जी, सवाल होंगे, जो भी सवाल है कमेंट में पूछते जाए, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा तजर्बा है वो जरूर मैं यार शेयर करूंगा, उन शुरू कमेंट्स कर लेते। जी करें, ये शुरू आप करें जी क्वेश्चन करें जी, सर। इससे है ना बिस्मिल्लाह करते हैं हम के कबूतरों की तैयारी से। सबसे पहले जहां पे उस्ताद जी मेरे कहते थे, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, वो अपने कहते उस्ताद जी हैं का कि तारफ करवा पुत्र, दें, मुझे तो पता, मुझे तो यासर पता, अपने उस्ताद जी का तारफ करवा दें। नहीं वो चले अब छोड़े, बाद में कभी इंशाल्लाह। वो असल में ना उस्ताद जी ने मना किया, उस्ताद जी ने कबूतरबाजी छोड़ दी हुई है, जयीफ हो गए थोड़े से और हॉलैंड मूव हो गए थे, हॉलैंड से फिर वापस गए हुए हैं, अभी शुरू करेंगे हम इंशाल्लाह। हवेली वगैरह बनाई सियालकोट से, तो इंशाल्लाह शुरू करेंगे हम लोग वहां पे इंशाल्लाह, अल्लाह करे इंशाल्लाह। तो वो है ना कहते हैं कि जिन्हों कबूतर खुडे सामने आंदे ने ना, जिन्हें खुडे की साम कर ली उन्हें कबूतर उडरे की साम कर ली, जिन्हें कबूतर की खुडे की साम नहीं ना करनी वो कबूतर उडे की साम नहीं कर सकता। मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये कुछ बातें होती हैं उस्तादों की जो कर जाते हैं, इन्हें खोलना पड़ता है, ये वो गांठे हैं जिन्हें खोलना पड़ता है। ठीक है, एक गंडा होंदिया ने जिन्हें खोलना पैंदा, ते ए एंजी है जिस तरह कबूतर का दाना पानी, उस्ताद का दाना पानी हो ये जो कबूतरां तुसी मौसम वाइज पाते हो, मौसम के नाल लैके चलते हो, जदों तुसी मौसम के नाल कबूतरां नूं सही दाना पाते हो ना, तो कबूतर ठीक रहिंदा, उहदी संभाल ठीक होंदी, पहली गल तो होगी। यासर भाई इंडिया से मैं बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर, मेरे फॉलोअर देखते हैं, मुझे बहुत फॉलो करते हैं इंडिया से, तो उनकी मोहब्बतों का जी शुक्रिया। जी उर्दू में थोड़ी सी बात करें, को अंदर पंजाबी वाला आ जाएगा, फिर जी ठीक पंजाबी है, में करेंगे, फिर उर्दू में बात करें। जी चले ठीक है, उर्दू में बात करता हूँ जी। तो वो जी संभाल की बात जो होती है ना, उड़ने उड़े जो उड़ाने हैं आपने कबूतर, उनकी पहले खुड्डे में संभाल करनी है आपने। अच्छा, जैसे परपटाई से पहले हम कहते हैं कि सफाई कर लें कबूतरों की, डिवॉर्मिंग कर लें, ये कर लें वो कर लें, ठीक है वो तो रूटीन वर्क होना चाहिए आपका। जब कबूतरों को आप लेके चल रहे हैं, बच्चे निकल रहे हैं, तो खुड्डे के अंदर उनकी संभाल करें, जितनी अच्छी आपकी संभाल होगी ना उनके अंदर उनके पास बैठे आप, तो ये ना देखें कि ए जोन से रहा है, कल से रहा, फलाना फलाना, ये देखें वो कर क्या रहे, उन्हें रीड करने की कोशिश करें, उनकी हरकत देखें, सकनात देखें और सीखें उनसे, पूछें उनसे। जब कबूतर आपके साथ बातें करते हैं, आपको बताते हैं, एक टाइम वो आता है कबूतरबाजी में कि कबूतर आपको बताता है कि जी, मुझे क्या तकलीफ है, मुझे क्या दुख है, मैं खुश हूं नहीं खुश, और कबूतर उसी बंदे के उड़ते हैं जिसके साथ वो मंसलूक हो जाते हैं, यानी कि उसके पास आते हैं, उसके ऊपर बैठते हैं, उससे प्यार करते हैं, जो मालिक प्यार करेगा कबूतर ही वफा करते हैं, तो मालिक उसी को समझते हैं जिसके पास आते हैं जहां पर। ये बात तो होगी स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से कबूतर आपने रखे खुडे में रखे हुए संभाल वहां से, और यहाँ से संभाला जाती है दाने पानी की, जैसे नदीम भाई ने भी काफी गाइड किया हुआ है, बड़ी लेंथी वीडियोज बनाई हुई है कि भाई मौसम वाइज दाना चेंज किया करें, जैसे सर्दियां आती हैं तो सर्दियों के रिलेटेड दाना बीच में ऐड कर लिया करें, ठीक है, जब गर्मियां आती है मौसम चेंज होता है तो वो गर्म दाना निकाल दिया करें, ठीक है, कबूतर गर्म ही सही रहता है, ठंडा कबूतर सही नहीं होता, ना खुड्डे के अंदर, ना खुड्डे के अंदर, ना आसमान में, गर्म कबूतर ही सही रहता है। लेकिन वो ना हर एक चीज की ना, जैसे कोई भी चीज है ना, इलेक्ट्रिक चीज है,
इसकी एक वोल्टेज है, जैसे ये मेरे पास इसकी एक वोल्टेज है, इससे ज्यादा इसे करंट दूंगा तो ये फट जाएगी, इसका नुकसान होगा, मेरा भी होगा इसका भी होगा। कबूतर जानवर परिंदा मासूम सा परिंदा है, उसकी कैपेसिटी का आपको पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि उस्ताद कह देते हैं, उस्ताद कह देते हैं कि भाई कबूतरों को लाइजर बिट का ना एक ढक्कन डाल देना, दो ढक्कन डाल देना कुंडे के अंदर। अब कुंडा पता नहीं, वो बेचारे के पास पता नहीं लीटर वाला कुंडा हो, ठीक है हम 3.5 लीटर के हवाले से बता रहे हैं, 5 लीटर के हवाले से, उसका बेड़ा तो गर्क हो गए, वो कबूतर को पेचस लग जाने, कबूतर को मोशन लग जाएंगे। तो जी लेकिन जी दोस्तों ना इस सच में ना मैं एक मजे की बात बताता तो, मजे की बात जी बताने जी लगूं। इस सच में ना मैं ना बाजी उड़ रही थी हफ्जाबाद, एवं एक दिन ना चला गया, पहले दिन उस बंदे ने ना बाजी उड़ा ली, कबूतर उसके अच्छे जी उड़ गए। अब मैं लाइजोविट से बताने लगूं, लाइजोविट की बात करने जी जी मैंने ना उस पहले फिर तुड़की में बेसिकली जो नागे वाला दिन होता है कबूतर की संभाल पे डिपेंड करता है कि भाई कबूतर को संभालना है, संभाल के किस तरह आपने उसे उसकी जो एनर्जी है, चाहे वो अश्रु है, चाहे वो बिसाख है, चाहे वो जेठ है, उसने एनर्जी कंज्यूम करनी करनी है। चाहे वो आ, आ, 2 घंटे उड़ रहा है, चाहे वो 10 घंटे उड़ रहा है, चाहे वो 12 घंटे उड़ रहा है, उसने एनर्जी जो स्टोर की होती है अपने मसल्स में, अपनी टैंकी के अंदर, वो कंज्यूम करके आ जाए। अब उस बंदे ने किया क्या, कबूतर उसके अच्छे बैठे, 5-6 बजे तक कबूतर बैठ। मैं ना उसके पास जाता हूँ, क्या 12-1 बजे के करीब मैं जाता हूँ, देखता हूँ कि कबूतर पकड़े। मैंने पकड़ने के बाद कहता है यार मेरे ना कबूतर सीधे नहीं हो रहे। मैंने कहा दिखा तो सही कबूतरों का क्या है। उस्ताद हाफजाबाद का बड़ा नाम है, काफी दफा वो चैंपियनशिप्स भी जीता हुआ है, सारा सिलसिला। अब मैं यहाँ पे आपको ट्रैक और डी ट्रैक की बात बताने लगो। तो मैंने कबूतर पकड़े तो दाना डालने लगा, टाइम है 3 बजे का, असोज के दिन है, दाना 3 बजे डालने लगा बाजरा। उससे पहले उसने, मैंने कबूतर पकड़े हो, मैंने कहा पागल हो गया, इनके पोटों के अंदर अभी बोरे हैं, इनके पोटों के अंदर अभी बोरे, तूने जो डाले थे, खुराक तो एक साइड पे रह जाएगी, तू उनसे दाना डालने लगा, कल कबूतर खराब हो जाने। नहीं उसने मेरी बात मानी, उसने दाना डाल दिया। कहता है खुदा के लिए मुझे कोई ऐसी विटामिन दे, कोई ऐसी चीज दे जो इसके मेदे को चलाए, जो विटामिन हो, जो मतलब। मैंने कहा भाई मैं कोई फार्मूला नहीं तुझे दे सकता, तूने बड़ा पुट्ठा करके ना सिलसिला रखा हुआ है कि तूने कबूतरों को दाना भी डाल दिया और साथ में पहले बोरे डाले हुए, उन्होंने डाइजेस्ट ही नहीं किए, चले ही नहीं, वो कब के डले हुए वो भी नहीं उसने बताया। फिर उसने ना ऊपर से बाजरा डाल दिया। फिर ठीक मैंने है क्या किया, मैंने कहा भाई तेरी मेहरबानी ना कर ऐसे, मुझे मेरे कोई फार्मूला नहीं है मेरे पास। मैं कहता है खुदा के लिए दे दे, मैंने कहा चल मैं दे दूं। 3 लीटर की बड़ी बोतल ली मैंने पानी की, उसे कहा लाइजोविट सीरप ले आ, तेरे लाइजोविट से याद आया। मैंने कहा चल कबूतरों को थोड़ा सा विटामिन चले जाएंगी, मैदा चल जाएगा, कबूतर ठीक हो जाएगा। मैंने एक ढक्कन 3 लीटर में लाइजोविट उसे डलवाया। मैं लाइजोविट संभाल में भी इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए मैं बात इसलिए कर रहा हूँ और बताने भी इसे लगो। तो कबूतर मैंने जितने देखे, जो भी उसने किया किया। शाम को मैंने उसे पूछा हो भाई कबूतरों को जो तूने गर्म करना था, कोई गद्दी लगानी थी, कबूतरों का जो भी सिलसिला तूने करना था कर लिया, कबूतर मुझे नजर आ रहे हैं थकान उनकी खत्म नहीं हुई। अब मुझे पता था कि कबूतर ने कल खराब होना है, वो नजर आ रहे थे। मैंने नहीं छेड़ा उसे, जी कुछ भी नहीं कहा, 1% सिर्फ सोइल लाइजोविट के, मैंने कोई टच नहीं उसे दिया। कल उसके कबूतर उड़े, मुझे पता था कि वो। अगले दिन मैंने लाहौर वापस भी आना था, मैं जानबूझ के रुक गया। मैंने कहा चल देखो तो उसे क्या तमाशा बनता है। मैंने उसे पहले चला गया छत पे, कबूतर ठीक उड़ रहे हैं, 11 बजे तक, 12 बजे तक कबूतर उड़े। मैं 12 बजे उठ के वापस आया हूँ, घर को काम पड़ा, तो 12:30 मुझे कहा मेरे कबूतर का कुंदा लग गया। मैं जी क्यों कुंदा लग गया, तेरे सिरप की वजह तो। बात सिर्फ इतनी होती है, हम और बड़ा नाम है, कुछ 6-7 चैंपियनशिप असोज की वो जीता हुआ। बात करने का मकसद ये था, आपने लाइजोविट कहा, लाइजोविट में कोई ऐसी चीज मौजूद ही नहीं है कि जो कुंदा लग सके, उसमें रेशा बन सके, कोई ऐसी चीज नहीं है। उसने डाइजेशन सिस्टम ठीक करना है, साथ में उसे कुछ मिनरल्स मिलने हैं, विटामिन्स की शक्ल में मिलने हैं, जल्दी रिकवरी की तरफ इस्तेमाल होने के लिए। तो ये जी बात जेन में रख लीजिएगा कि उस बंदे ने किया क्या है। फिर एक जगह और मैंने देखी, लाहौर का चैंपियन है, लाहौर के बात बताता हूँ यहाँ पे। अब नुक्स का
कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? यासर भाई आपको रोक के मैंने बात शुरू की है कि नुक्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। नुक्स बेसिकली मौजूद करते हैं लाहौर की जी एक छत है, 2-3 दफा लाहौर चैंपियन भी हुई है उस छत पिछले साल जेठ के अंदर, ठीक है ये जेठ नहीं से पिछले जेठ में मैं उस छत पे जा रहा हूँ। बंदा रोजाना बड़ी मेहनत कर रहा है, मैं देख रहा हूँ, कहते हैं मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन कबूतर अंदर से ना खोखले होते जा रहे हैं। मैंने कहा क्या कर क्या रहा है? मुझे ले गया अपने कमरे में, जाके उसने मुझे दिखाया, ये देख मैं इन्हें सिर्फ और सिर्फ बादामों वाले भोरे डाल रहा हूँ, टेम्परेचर पड़ रहा है 40, 41, 42, और इन्हें सिर्फ बादामों वाले भोरे डाले जा रहा हूँ। अब वो ठीक है, बादामों वाले भोरे सभी डालते हैं, अब डिफेक्ट कहाँ पड़ रहा है? मैंने कहा मुझे कबूतर तो दिखा, खुडों की तरफ तो लेके जी। जब मैं खुडों की तरफ गया, कबूतर सबज बीठे किए जा रहे, बादाम भी खाए जा रहे हैं, मतलब बादामों वाले भोरे भी खाए जा रहे हैं, सबज बीट सभी कबूतर किए जा रहे हैं, और चैंपियन कबूतर है। चैंपियन कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो एक्सीडेंटली चैंपियन हो जाते हैं, ये बात इसलिए करने लगो, एक्सीडेंटली चैंपियन हो जाते हैं। मैं उसका नाम नहीं यहाँ पे ले रहा हूँ, मुझे पता है वो सुन रहा होगा मुझे, और उसे अपने दोस्त का पता भी होगा, भोरे डाले जा रहा है जबकि कबूतर। कबूतर किए नदीम इसमें भाई, उस सबज आपका बीट इंटरनेट डाले सेट थे सही नहीं है, कबूतर को। आवाज कट के आ रही है। प्लीज अपना इंटरनेट चेक करें, अपना इंटरनेट देखें जरा, क्रम्बल्ड हो रही है आवाज। दोस्त बताएं आवाज सही आ रही है बात नदीम भाई की, कमेंट से बता दें प्लीज। कौन पूछ रहा? नदीम नादिर भाई आ रहे हैं, क्योंकि आवाज ना आपकी ऐसे स्क्रम्बल्ड होके आ रही है, मेरी तरफ से आ रही है या सब भाइयों का ऐसे आ रही है, पूछ रहे प्लीज, वरना मेरी वो तरफ आवाज से, सही नहीं मेरे एंड आएगी से बात ठीक है। है, मेरी वीडियो रुक नहीं रही, मेरी वीडियो रुक नहीं रही, मेरे एंड से ठीक चल रही है, जी मैंने दूसरे मोबाइल पे लगा के जी देख रहा हूं, उधर भी ठीक चल रही है। बस सही है, वीडियो मेरी तरफ भी सही चल रही है, सिर्फ आवाज का कुछ हो रहा था, आवाज कुछ हो रही थी, अभी सही है तो दोस्तों हाँ जी, आज आज नादर भाई रिक्वेस्ट सेंड करें, जी। लो जी आज नदीम मानी भाई भी आ इसमें गया, है ना, आज बाबा आ चलो गया, चलो बाबा आ गया आज अब फड़ ले बाबे नूं अस्सलाम वालेकुम, रब दा वास्ता, वालेकुम रहिंदा वालेकुम सलाम, सलाम, और नदीम रब भाई दा वास्ता, रब दा वास्ता, रहिंदा फ्रांस चे जिन्हों चेहरा रोशनियां का मुल्क कहा जाता है, वो तो खुशबुआ तो रोशनी ही होंगी ने, चेहरा दिखाओ अपना। दिखा रहे हैं ना भाई जान, ये गारंटर हो रहे हैं, आपको चेहरा भी दिखाते अच्छा, हैं, मैंने बोला था बाहर गए चेहरा होंगे कहीं, शरीफ बेटी आप का टाइम देख लें। होता है, वैसे भी बाहर जाता है इस वक्त। हाँ जी 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 ये फैमिली टाइम है भाई, अगले आ रही है, तुम जब तो लाइट उनसे आ गई हाथ अब रख के आपको ले आ चेहरा भी गए। नजर आ गया होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर आ गए, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम है। भाई पाजी कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ऐसी है जी, लॉन्ग टाइम। बहुत टाइम हो गया यार, मेरे ख्याल से साल हो गया, साल साल तकरीबन लाइव आए हुए लास्ट टाइम आपसे लाइव, बात, लाइव आए हुए हैं। तो हाँ आपको क्या व्हाट्सएप पे करनी है हमने कॉल? सब देख रहे हैं आपको, माशाल्लाह 60 बंदे देख रहे हैं, नहीं तीन नहीं हम भी हैं। मैं वो मेरे कहने का मकसद है, अभी लॉन्ग टाइम आप लाइफ की बात कर रहे हो, तो लाइफ जी तो उसकी भी, और वैसे भी आप लाइव में बिल्कुल आपसे बात हुए भी काफी टाइम हो गई, 4-1 साल हो ही गए, छोड़ दिया लाइफ जी यासर भाई, इनके बिल्कुल पुरजोर, ये जो भाई आई नदीम भाई ने फाड़ लिया था ना। जी, नदीम भाई मैं बिल्कुल इजी सर, करता है, मैं तो 2 पेजों से इकट्ठा डबल लाइव टाइम में से हूँ, मैं इधर हो चौकड़ गया मार चुका है, हूँ। 2 पेजों से इकट्ठा, 2 पेजी से इकट्ठा लाइव हो तो फॉलोअर्स हैं वो उस पेज पे जा रहे हैं, कुछ इस पेज पे आ रहे हैं। इस वक्त एक पेज पे जो मुझे नजर आ रहे हैं वो 63 आ रहे हैं, दूसरे पे 93 आ रहे हैं। पेज सब्सक्राइबर जी जो है ना, इस फॉलोअर और सब्सक्राइबर डिवाइडेड है। अच्छा तो मैं बात कर रहा था उसकी, मानी भाई आप इजी होकर बैठे, फिर आपको मैं सवाल फ्लोट करता हूँ। करें जनाब, मैं हाँ इजी इजी जी अच्छा, मैं दोस्तों मैं बात अपनी
बात करनी है। तो मैंने ना चैंपियन छाती, मैंने ना पिछले साल जो आपके साथ जिक्र कर रहा था, मैंने देखा कि वो बंदा शाम 4 बजे का टाइम है, 12 बजे का बैठा कबूतर, 3 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जितने भी उसके 15-20 कबूतर थे इस टाइम पे बैठे, कुछ उसके शाम पे भी चले गए, लेकिन उसने जल्दी की भाई। मेरे कबूतर को ना भूख लगी होगी, एनर्जी लगा के आया, तो मैं इसे आती पहले ना, चाहे वो बादाम की शक्ल में दूं, चाहे वो बोरों की शक्ल में दूं, बादाम दूं ताकि इसके अंदर तरी जाए। लेकिन एक बंदा, वो बंदा इतना तजर्बाकार होने के बावजूद भी जो डिफेक्ट या नुक्स वाला काम कर रहा था, वो ये कर रहा था कि कबूतर अभी अंदर से क्लियर नहीं है ना, कबूतर को डिहाइड्रेशन उसने कंप्लीट किया है ना, जो उसने जहर मोरा दिया हुआ था उसको क्लियर किया है। और आते ही कबूतरों को घंटे 1.5 घंटे के बाद देखा, उसने पानी चलाया नहीं चलाया, किसी को नहीं देखा। तो कबूतर जो है ना, वो ऐसी सूरत में भी सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं भाईजान। आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ इसी वजह से रखा है पानी का, ताकि हमें पानी की अहमियत का पता चल सके। पानी दवाइयों से ज्यादा अहम होता है परवाज परवाज और फिरतों में। तो मानी भाई, आज का जो टॉपिक है कि पानी की है, सादे पानी की, गर्म पानी की नहीं, बने पानी की नहीं, सादे पानी की क्या अहमियत है फिरतों और बागियों के अंदर, इस पे आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। मैं गलत दिन आ गया हूँ आपके पास इंटरव्यू देने। मेरा तो उड़ाने से कोई ताल्लुक ही नहीं है, मैं तो वैसे ही रब पुलिस दा के वास्ता। कबूतर दोस्तों बाद में दोस्तों दो चार जोड़े दोस्तों रखे हैं। दोस्तों दोस्तों मानी भाई, आप दो बड़ी छते हैं इस्लामाबाद में, एक औरंगजेब भाई वाली छत, इनकी मशावरत के साथ बड़ी मोहब्बत है इनकी, इनकी उनके साथ, उनकी इनके साथ, ओ और यार इनकी अपनी छत भी अल्लाह बिजली के से उड़ती बंदे, है। वो औरंगजेब की छाता है, वो औरंगजेब भाई खुद उड़ाता है, मेरा उसमें क्या अमल दखल है। आपकी अपनी छत भी बात है उड़ती यार, पानी की अहमियत आपने पूछी भी, मैं भी पानी पी रहा हूँ। चले जो मुझे थोड़ा बहुत नाकस मुझे पता है वो बता देते हैं, बाकी तो कोई अच्छा बड़ा उस्ताद ही बता सकता है जो प्रैक्टिकल करता हो। हमारा तो प्रैक्टिकल से कोई ताल्लुक ही नहीं दूर दूर तक। सादा पानी भाईजन, अल्लाह पाक ने एक नेमत बनाई है और एक कबूतर के लिए भी बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। और आधे से ज्यादा वेट तो मेरे ख्याल में जो कबूतर का, जो मैं समझता हूँ, वो ये सादा पानी पूरा कर देता। आधी संभाल तो ये आपका सादा पानी ही है। सही है जी, इसमें है ना पानी जरूर कर देता है, मिनरल्स जो है वो जरूर, सिर्फ ये नहीं है कि पानी में है, पानी इससे ज्यादा जरूरी है मेरे नजदीक। जब तक कबूतर चले ना ना अंदर से उसकी हीट ना निकले, जो भी उसने उसके ऑर्गन्स है अंदर वो एक्टिव ना हो, वो कभी भी कोई चीज खींचता नहीं है, मतलब कि हजम नहीं करता। आपने कोई भी चीज उसे दे दी है ना, फॉर एग्जाम्पल जब हम शुरू में कबूतर वगैरह उड़ाते थे, हमसे क्या गलतियां सरजद होती थी, न्यू कमर से होती हैं अक्सर होती। वो क्या है कि जैसे कबूतर आया, जैसे नदीम भाई कह रहे थे कि फौरन ही खुराक पाओ जी खुराक, उस्ताद ने कहता जी कबूतर आवे बबे दो नौका लगाओ नू डको खुराक पा दो। कुछ कबूतर ऐसे होते हैं जो जोर लगा के आते हैं, एंड करके आते हैं, या मौसम की मार पड़ जाती है थोड़ी, जो डिहाइड्रेट हो जाते हैं ज्यादा, जो आप कह सकते हैं सिंपल लफ्जों में, जब मैं कबूतरा के पंजे नहीं खुलते, जो टायर नहीं खुलते उनके, पंजे अकड़ जाते हैं, कबूतर डिहाइड्रेट हुआ होता है। उसे कोई भी दुनिया की चीज दे दे बगैर पानी के, इवन उस कंडीशन में भी होते हैं कबूतर के पानी भी हजम नहीं करते, ठीक है। उसमें संभाल फिर उस हिसाब से करनी पड़ती है, कबूतर को देखना पड़ता है कि किस रुख का बैठा है, खुश्क होके बैठा है तो कितना खुश्क हुआ, ठीक है। तो उसको फिर हाइड्रेट करने के लिए तरीका होता है, उसी को उस्तादी बोलते हैं कि कबूतर को उसकी बीट वाली जगह जो होती है सुकड़ की होती है, आप पानी भी दे दें तो वो नहीं चलाता पानी, जैसे ही वो पानी चलाएगा वो पाँव पे आ जाएगा, मरता कबूतर भी बच जाता है। अब इसमें सादा पानी ही काम करता है, सादा पानी के साथ वो चीज जो जल्दी से जल्दी, जैसे मिनरल वाटर हम यूज करते हैं, क्यों, उसमें मिनरल्स एक्स्ट्रा होते हैं, ऐड किए होते हैं। तो जो पानी है, ये जो पानी है ना, ये जो आजकल कुएं का पानी कह लें, ये जो दूसरा अपना जमीन के नीचे जो पानी हम यूज करते हैं, ये भारी का पानी जो होता है ना, ये कबूतर हजम नहीं कर सकता, वो वाला जिनू असी पंजाबी कहने कसा लगा है गर्मी का उड़ के जिसले आंदा, उससे हल्के से हल्का पानी जो आपको मिले उससे उसकी नोक वगैरह लगवाए, ठीक है, उससे नॉर्मल टेम्परेचर पे रखें, और पानी जरा कोसा हो, ठार मरा हुआ हो, पानी ठंडा ना हो, ठीक है, जो भी आपने देना है ना, ये नहीं कि उसमें मसाले पड़े हो, नहीं, पानी सादा हो लेकिन ठार मरा हुआ हो, ठंडा ना हो। जो पानी सुबह देना है वो भी ठार मरा हुआ हो अगर आप दे रहे हैं,
जो आते कबूतर को नोके लगवा रहे दे रहे हैं वो भी थार मरा, जैसे हम कहते पंजाबी में थार मरा, मतलब यानी कि आप ऐसे उंगली लगाए ना तो आपकी उंगली जले ना, जैसे बच्चे को दूध पिलाते हैं ना, माए दूध पिलाते हो देखती हैं कि दूध ज्यादा गर्म तो नहीं, चीखोर बच्चे होते। तो ये वो चीज है जो नदीम भाई कह रहे हैं या रहमान भाई ने बोला, सीनियर है, मैंने तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। तो कबूतर वो मैंने देखे हैं जो डिहाइड्रेट हुए होते हैं, मौसम के खिलाफ हुए होते हैं, ठीक है, जो टांगे ऐसे करके आग गिरते हैं, आंखें उनकी फटने वाली हुई होती है, बिल्कुल ऐसे बल्ब की तरह जल रही होती है। तो वो कबूतर हीट हीट की वजह से अंदर से ड्राई हो जाता है। ये कंडीशन है दोस्तों जिसमें आप देख रहे हैं, आप सबके साथ शायद कभी ना कभी हुआ होगा, या डेढ़ से जो लोग डरते हैं ना गर्मी से उनके साथ ही होता है। तो वहां पे करना ये चाहिए, उसमें गलती वहां पे है कि आपके कबूतर अंदर से खुश्क गर्म और खुश्क, जो आप गजा दे रहे हो वो सही नहीं है, ठीक है। पहले तो वो सही करें, आप कबूतर की संभाल सही करें, जो आप संभाल कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, एक चीज तो ये गलती ये आ गई। अब उसको दूर कैसे करना है तो सार आपको बताएगा, मैं यहाँ पे क्या बताऊँ आपको, उसको दूर करें उन चीजों से जिससे उसके अंदर का टेम्परेचर सही रहे, मौसम के साथ वो मौसम के साथ एडजस्ट हो, आसानी मिले उसे, ये ना हो कि मौसम के खिलाफ हो जाए। मौसम के खिलाफ होगा तो उधर दाने लेके जाने, ठीक है, फिर उन्हें जहाज हो के अगर आप उसको ठंडा कर देंगे, भोरे डालते हैं आप कबूतरों की संभाल करते हैं, तो भोरे भाई मोदिल होंगे या ठंडे होंगे, वो गर्म नहीं हो सकते। हाँ, उसमें कुछ आपने ऐसा डाला हुआ है, खुराक ऐसी बादामों वाली बनाई हुई है गर्म करके, तवे के ऊपर पैन के अंदर जो कुछ भी जैसे भी शादी लगाई हुई है, वो आपका कंट्रोल है, वो आपकी शादी है। जिस बंदे का जो एक्सपीरियंस है, जिस चीज पे हाथ बैठा हुआ है उस पर हाथ, जैसे फॉर एग्जाम्पल लोग टेंट्रम यूज करते हैं खुराक के अंदर, क्यों कबूतर वो सही हो जाते हैं, उड़ के आए होते हैं, डिहाइड्रेट हुए होते हैं या परवाजें दे रहे होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, हाजमा चलाना शुरू कर देते हैं सब, क्यों? आए कबूतर गर्म होते हैं, वो आए कबूतर को आप गर्म करते हैं, जिन्हें ठंडा कर ले आया कबूतर, उधर कबूतर बाजू तबाह हो, ते जे जंदा ठंडा कर लिए उन्हें आप अपने आपों अपने पैर के उत्ते कुहाड़ा मार ला, वो डोवेगा कबूतर से अगले बारी उड़न जोगा नहीं देगा, मतलब उसका उस उसका लक ना तीन तीन थाव टूटेगा, उसकी कमर तीन तीन जगह से टूटेगी, दुम उसकी ऐसे ही खुल जाएगी जैसे बतख का बच्चा होता है। क्यों? क्योंकि आपने उसे ठंडा कर दिया, ये ठंडे कबूतर की निशानी है। जो कबूतर या तो आसमान सही वो आसमान चला गया वो ठीक है, लेकिन जब आएगा ना, जब 12 बज रहे हैं, 12:15 हुए हैं, जहाज होके बंदे आ गए, कुंडा नहीं चला रहा, क्यों? उसकी वजह ये है कि साजी कहते हैं कि कोई भी पुत्र काम होंगे ना, उसके पीछे वजह जरूर होंगी है, तो काम होंगे जिदे को जिन्हों बंदे वजह का नहीं ना पता, उन्हों गलती का पता नहीं लग सकता, उन्हों ये पता नहीं ये काम होंगे कि नहीं, वो अच्छा इसलिए यासर साहब होता एक है। चीज हमें, हाँ हाँ बोले बोले बात जी जी पूरी करें, वो इसलिए होता पूरी है, जब पूरी करें। कबूतर उड़ता है ना, जब कबूतर उड़ता है ना तो वो एक हाइट पे उड़ता है जाके, ठीक है, जिधर हाइट पे उड़ता है वो लेवल कौन सा होता है मुझे नहीं पता, 100 में, हजारों में, कितने मीटर से जाता है ना, न्यू कमर्स इस काम में पड़े हैं, ठीक है ना, तुझे कोई फीता लेके नापना नहीं, वो उधर रहता है जिधर वो इजी फील करता है, ठीक है ना, जिधर वो इजी फील करता है मदार के अंदर मस्त होके ग्लाइड करता है, जहां उसको ना ठंड लगती ना गर्मी लगती, स्कून के जैसे एक जी जी नवीन जाट साहब रिक्वेस्ट सेंड करें लाइव में, मेरे साथ आ जाए नवीन जाट साहब, आ जाए लाइव में। अच्छा यासर भाई, यहाँ पे हमें एक चीज बता दें, कबूतर दो तरह से खराब होते हैं, एक जल के कबूतर खराब होता है, एक ठंडा होके खराब होता है, दोनों की क्या कंडीशन और क्या सिचुएशन होती है, और जो ठंडा होता है उसे हम कैसे पहचानते हैं वो ठंडा है, और जो तलख होता है जो जल गया होता है अंदर से उसे कैसे पहचानते हैं कि ये जल चुका है। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया नदीम भाई। इसमें सबसे पहले ये है कि जब कबूतर बैठता है ना, आपने ऑब्जर्व करना है, ये जज करें कि कबूतर किस रुख का बैठा है, ये नहीं कि सजे मुंह करके बैठा है कि खबर नहीं, ये जज करें कि किस रुख का बैठा है, आया कि वो पर चला के बैठा है या न पर चला के नहीं बैठा, एक चीज तो ये होगी। अगर वो ऊपर से कुंडा चला के नहीं आया, आया बैठा उसने दुम खोल दी, वो कबूतर ठंडा होगा, एक चीज तो ये होगी। दूसरा एक चीज और होती है, उसकी आंख बताएगी आपको कि कबूतर ठंडा है गर्म है, क्या उसको मसला है, ये उसकी लैंग्वेज है, बीट उसकी। कबूतर जो ठंडा होगा उसकी आंख मदम हो जाएगी, उसकी आंख डूब जाएगी, उसकी औखा आदे ने यार तेरी अखा नु की होया, यार तेरी अखा लाल हुई है, यार तेरी अखा डूबी है, की गल पानी पानी होया, तेरी अखा चमक नहीं रही, तेरी अखा यार, ये वो चीज है। जब कबूतर ठंडा होगा
उसकी बॉडी स्ट्रक्चर से उसको पता, आपको पता चल जाएगा, ठीक है, और उसकी आंखों से। उस कबूतर को आपने संभाल करनी है, कबूतर आपका अगले दिन फिर उड़ेगा, लेकिन तरीके के साथ। ये नहीं आया पकड़ा आपको जज हो गया तो आपने तेरा या थे आ जाना उन गोडिया थले ते ए भी दे वो भी नहीं, तरीके के साथ उसको लेके जाए। आप हमें आसान फार्मूला बताएं कि जो जला कबूतर होता है उसकी बीट का कलर कौन सा था, जो ठंडा होता है उसकी बीट का कलर कौन सा, ये बताएं। जला कबूतर जो होगा ना, सबसे पहले जल के कबूतर क्या होगा, खुश्क होगा जो कबूतर है, वो जलया हुआ कबूतर हम शुमार करते हैं, या कोई चीज ऐसी दे देते हैं गर्म एक्स्ट्रा, जिससे कबूतर की बीट जो है ना वो सूख जाती है, बीट का साइज बहुत छोटा हो जाएगा, वो खुल के बीट नहीं कर सकेगा। कलर क्या होगा? काली बीट करेगा, काली बीट करेगा, वो नॉर्मल बीट नहीं करेगा, ना हरी करेगा ना कोई और करेगा, काली काली तरह की जली हुई छोटी सी बीट करेगा। उस कबूतर को आपने क्या करना है, पहले तो उसका पानी पूरा करना है, और कोई ऐसी चीज देनी है जो उसको मदद दे, जो ऐसी चीज हो ये ले के वो नागे के बाद अगले दिन उड़े थे और घर भी आए, उस चीज से सही नहीं करना जो आप दें कबूतर। वक्ती तौर पे तो सही हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन कल उड़ के घर ना बैठ सके, वो चीज उसको खराब करे। ये कबूतरबाजी में सबसे बड़ी खराबी होती है कि हम लोग वक्ती तौर पर कबूतर को सही कर लेते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि ये कौन सी चीज कैसी है, ठीक है। ये आपको उस्ताद जो होंगे ना, आपके उस्ताद होंगे, वो बताएंगे बेटा ये चीज देनी है कबूतर, यदि संभाल है चीज ना करी तो एनी दें, जब वो एस कंडीशन कबूतर आ जाएगा फिर उन्हें ऐसी चीज दें। तो ये स्टेप्स होते हैं इस चीज में जाके, और ये डिपेंड करता है कबूतर कितना खराब है, किस हद तक खराब है। अगर तो आपका कबूतर ये है ना कि पहले परवाजें दे रहा था, आपने कुछ ऐसी खुराक डाली है, कुछ ऐसा किया है, ठीक है, क्योंकि खुराक देखे बादाम है, अब उसको कंट्रोल करने का मैं दोस्तों को यही बता देता हूँ, बेसिक उनके वो जो सुन रहे हैं न्यू कमर, कि जब आप कोई बादाम है, बादाम को पानी में भिगो भिगो देते हैं ना कुछ देर, तो उसकी अफादियत जो होती है ना वो चेंज हो जाती है, ठीक है ना, उसकी तलखी थोड़ी कम हो जाती है, वो मोतिल होते हैं उस तरफ आ जाते हैं, जो भी आप कह लें, ठीक है। इसी तरह कोई भी चीज आप यूज करते हैं मौसम के हवाले से, आप जब असू होता है, असू में हम लोग नहीं उसे करते, हम उबाल के छिलका उतार लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें मौसम के साथ वो कबूतरों को खुराक देनी होती है, और उसमें वो चीजें डालते हैं जो मौसम के हवाले से हमारे कबूतर मांग रहे होते हैं, ठीक है। कंट्रोल जो है आपका वो आपकी खुराक में और उस्ताद के दाने पानी में, ये कंट्रोल है आपका मौसम का। इस चीज से जब आप ग्रिप बना लेंगे ना, इंशाल्लाह आपके कबूतर उड़ेंगे भी अच्छे और घर भी बैठेंगे और संभालने भी नहीं पड़ेंगे। उस्ताद ये है कि कबूतर उड़ के आया आपको संभालना ना पड़े, तुम करना पड़े पड़ो 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 इन्हें संभालना ना पड़े, वो कबूतर वो उस्ताद की उस्तादी अच्छी होगी। आप चले जाए डिफरेंट छतों पे, सियाणा बंदा होएगा जिदा कबूतर आप उतू ठाप मार के थले आएगा ते दाना मंगेगा, खुड्डा पुट देगा, मनु कोई शाया पाओ। हाँ हो जाता है समटाइम, उस्तादों से गलतियां होती, ऊपर नीचे हो जाता है। मैं बड़े एक बहुत बड़ा नाम है, बड़े उस्ताद है फैसलाबाद के, मैंने उनको माना है भाई के माशाल्लाह सियाने बंदे हैं, उन्होंने साफ ऑनलाइन आके बोला है भाई मुझसे गलती होगी, तीसरी फिल्म के अंदर मेरे से कबूतर ठंडे हो गए, कबूतर ठंडे हो गए मेरे, एक मिस हो गया ऊपर से और नीचे जल्दी बैठ गए, ठीक है। फिर मैंने वो कबूतरों को सही किया, ठीक है, कबूतरों को सही किया और लेके चला जेठ में, असू में कबूतर जब ठंडा हो जाए वो चल जाता, फिर भी जेठ में जब कबूतर आपके ठंडे हो जाए उनको सीधा करके चलाना बड़ा मुश्किल होता। अस्सलाम वालेकुम जी नदीम भाई, कैसे हैं सब? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई सवाल आपका? नदीम साहब क्या हाल है? मैं तो मुझे जो पता ना, आप सुनाए उस्ताद जी, ठीक है आप? मेरे से बात कर रहे भाई? अच्छा सलाउद्दीन भाई, मैं भी उस्ताद है, मैं तो नहीं हूँ। एक मिनट, एक मिनट, मैं ठीक ठाक कर रहे भाई, आप अरमानी भाई, आपको आपको आप आपसे के कबूतर जल चुका है या ठंडा है, क्या सिलसिला है, जरा बताएं हमें इस बारे में। सर जी, जो हमारे तजुर्बे में आया और जो हमें उस्ताद जी ने सिखाया है, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आवाज आ रही है, बोलिए।
जो हमने तजर्बा लिया है, जो हम खुद तजर्बा लिया और उस्ताद जी ने हमें सिखाया, जो मोस्टली कबूतर ठंडे होते हैं ना आपके, तो वो कबूतर आपके 10-11 बजे ऊपर से पर छोड़ के भी आते हैं, और जो जले हुए कबूतर होते हैं वो भी पर छोड़ के आते हैं। इन दोनों की सिचुएशन सेम होती है बाज का, और जब वो सलाउद्दीन भाई, आके पहले बैठ, पहले सलाउद्दीन भाई पहले ठंडे कबूतर के मुतालिक बताएं, बाद में जले हुए के मुतालिक, पहले जरा ठंडे के मुतालिक बताएं। ठंडा कबूतर जब भी आसमान से आएगा वो पर छोड़ के आएगा, कुंदा पूरा चला के नहीं आएगा, और जब वो आपका जाल के ऊपर बैठेगा उसकी कंडीशन ये होगी कि वो मुंह खोलेगा और पर फेंकेगा और वो पानी पे भागेगा। ठीक है, आप जब उसको नीचे उतार के आप चेक करेंगे वो कंडीशन, आप उसकी बॉडी से चेक करेंगे हड्डी के ऊपर मांस से कि ये ठंडा है या गर्म है, वो आप जब ठंडे का मांस मांस उसका कैसा होगा? उठा, मैं बताता हूँ शाह जी, वो उसका मांस जब ऐसे पर उठा के देखेंगे वो हमेशा मोटा बैठता है, कमजोर होके सूख के नहीं बैठेगा ठंडा कबूतर, वो नीचे से मोटा बैठेगा, उसका ब्लैक कलर भी होगा, और अक्सर कबूतरों का जो होता है आप कैसे कह लें गुलाबी कलर में भी होता है, लेकिन वो नीचे से मोटा बैठेगा, सूख के कभी नहीं बैठेगा ठंडा कबूतर, वो पानी पे बहुत जाएगा। और दूसरा जो गर्म कबूतर मोस्टली जल के बैठते हैं वो अच्छा, कबूतर ऊपर एक चीज से, सलाउद्दीन, सलाउद्दीन भाई एक चीज यहाँ पे और क्लियर करें, जो ठंडा कबूतर होगा वो बीट किस कलर की करेगा? वो मुख्तलिफ कंडीशन में मुख्तलिफ बीटें करेगा, ये जरूरी नहीं है सारी कि आपका कंडीशन परफेक्ट बताएं हमें, बीट, जो आप आपके देखेंगे एक्सपीरियंस में से ठंडे गुजरी वो बताएं हमें। ठंडे कबूतर मोस्टली जो होते हैं वो बीट मारेंगे आपकी, कलर आप देख लें एक मिनट, जैसे आप ब्लैक कलर कर लें थोड़ी सी सबज बीट भी चला लेते हैं वो, ठीक है, सबज बीट भी पानी वाली भी मार देते हैं, वो बीट भी उनकी होती है, वो कबूतर ठंडा कबूतर हमेशा पानी पे बहुत ज्यादा जाएगा आपका। ठीक है, और उस्ताद जी जो गर्म कबूतर होता है उसकी कंडीशन में आपको बताता हूँ, वो भी पर ऊपर से छोड़ के आएगा, पर चला के नहीं आएगा, जो जला हुआ कबूतर होगा वो भी कुंदा रोक के आएगा, लेकिन उसका जब आके बैठेगा जाल के ऊपर वो मुंह नहीं खोलेगा कभी भी, मुंह उसका हमेशा बंद होएगा, पर वो भी फेंकेगा नीचे, मुंह बंद होएगा। ठीक है, और वो कबूतर जब आप उसको नीचे से चेक करेंगे उसके जो बॉडी के ऊपर जो मांस होता है वो मांस नहीं होगा, मांस बिल्कुल सूख चुका होगा, होगा ब्लैक वो मांस लेकिन सूख चुका होगा बिल्कुल, वो गर्म कबूतर की निशानी है, जल गया अंदर से कबूतर। बीट कैसी करेगा? बीट आप उसकी लगा लें कलर में आपका, मतलब कि वो चर्बी की तरह की बीट ज्यादा करेगा, जो चर्बी होती है ना व्हाइट कलर की, वो चर्बी बहुत बहुत ज्यादा वो निकालेगा, चर्बी बहुत निकालेगा, जो कबूतर होते हैं ठंडे ना वो चर्बी वाली बीट कम करते हैं, चर्बी ज्यादा नहीं निकालते, जो जला हुआ कबूतर होगा वो फुल पीछे से चर्बी अपनी निकाल लेता है। निकाल। अच्छा, एक चीज बताएं कि जब हम कबूतरों को फिरतों में डालते हैं, जब जी कबूतर जी रवा हो जाता है, समझ जाते हैं कि वो रवा हो जाता है, उस वक्त भी वो चर्बी मारता है। जब कबूतर रवा हो गया, जब कबूतर रवा हो गया, अपने पूरे रूज पे आ गया, अपनी परफॉर्मेंस देनी शुरू कर दी, तो उस वक्त भी वो चर्बी वाली बीट मार सकता है? उस वक्त भी उस्ताद जी चर्बी वाली वो बीट मार सकता है, लेकिन मोस्टली जब आप कबूतर को रवां करेंगे उसमें ये होता है कि आप जब फड़के मारेंगे ना उसमें आपकी फड़के मेन चीज काउंट करती हैं, उसमें ये है कि जब आप कच्चे कबूतर को, जब कच्चा कबूतर हो जाता है मतलब फड़के मारेंगे कच्चे कबूतर को, आप जब खुराक में लगाएंगे तब भी वो चर्बी वाली बीटें मारेगा। ठीक है उस्ताद जी, जब कबूतर अपनी चर्बी खत्म कर चुकेगा फिर उसके बाद आप खुराक लगाएंगे वो कबूतर बनना शुरू हो जाएगा, वो चर्बी वाली बीटें नहीं मारेगा। मोस्टली हमने ये चीज चेक की है, जो लचकीले जोड़ के कबूतर होते हैं वो बहुत जल्दी रेडी होते हैं, और वो बहुत जल्दी रेडी भी हो जाते हैं, और वो चर्बी वाली बीटें जल्दी खत्म कर लेते हैं, और वो खुराक खाते हैं उसके बाद वो चर्बी वाली बीटें एग्जॉस्ट वो नहीं निकालते। और मोस्टली हमने देखा जो नुकीले जोड़ के पतले जोड़ के कबूतर होते हैं उस्ताद जी, वो चर्बी वाली बीटें नदीम भाई, मैं कुछ बोल सकता हूँ? नहीं अभी। जी, जी भाई।
जी नदीम भाई, सर दोनों भाइयों ने भी अपना आपने यासर भाई मौकफ की बहुत अच्छा आपने दिया। यासर भाई की भी यासर भाई ने भी गुफ्तगू की और सलाउद्दीन साहब ने भी गुफ्तगू की, दोनों में थोड़ा सा फर्क महसूस हो रहा है, मुझे फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं तजाद है, आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं तो अपनी बात का जो ओपिनियन है या राय है वो ऐसे ही दूंगा कि दोनों भाइयों ने बहुत अच्छी बातें की हैं। सबसे पहले जो बुनियादी मकसद है हर बात को समझने का, इतने सालों से हमने भी टाइम जाया किया मीडिया पे, अब तो खैर आना भी छोड़ दिया। इन शॉर्ट बात इतनी सी है कि ये एक प्रैक्टिकल शौक है। प्रैक्टिकल शौक में बड़े बड़े कारीगर उस्तादों से गलतियां भी हो जाती हैं। जरूरी नहीं है कि 100% हर टाइम ही परफेक्ट कबूतर उड़े या परफेक्ट सब कुछ हो। रह गई इसकी बीट की बात, तो ये एक अपनी निशानियां है जो तजर्बे की बुनियाद पे हर किसी ने अपने या तो उस्ताद से हासिल किया है ये इल्म सीना बसीना, या जब वो प्रैक्टिकल उड़ाते हैं तो उसके साथ जब बिल्कुल उनको ये परेशानियां पेश आती हैं तो वो ये सीखते हैं। जैसे ठंडे कबूतर के ऊपर अब दोनों भाइयों ने बातें सही की हैं, ये निशानियां भी हैं। ठंडा कबूतर पर भी फुला लेता है, नाक के जो नथने होते हैं इनके ऊपर से भी पर फुला लेता है, ठीक है, बीटे मारता है, वो बात भी ठीक है। हरी कच्ची लेसदार बीटे मारना शुरू कर देता, ठीक है, नीचे भाई कमेंट्स में लिख भी रहे हैं ढेर सारे। तो हर उस्ताद की एक अपनी परख का तरीका है, जैसे इसी तरह उसकी अपनी एक संभाल का तरीका है और पहचान का भी एक अपना तरीका है। ठंडे गर्म को नीचे जिस्म देखें, मुमानियत किसी में नहीं है। कुछ लोग बीटों से अंदाजा लगाते हैं, उनका तजर्बा इतना हो चुका होता है कबूतर उड़ा उड़ा के कि वो बीट से ही पता कर लेते हैं कि कबूतर ठंडा है या गर्म है। कुछ लोगों का इतना तजर्बा हो चुका होता है वो उड़ा उड़ा के प्रैक्टिकल कर करके कि वो जिस्म की नीचे से सीने की हड्डी पे देख रहे थे, ठंडा कबूतर सूज भी जाता है, पानी भर जाता है, सूजन आ जाती है, ठीक है। इसी तरह जिस्म के नीचे अगर जल गया कबूतर तो वो जिस्म का जो उसका गोश का रंग है वो डार्क मरून सा काला सा कर जाएगा, बीट खुश्क कर जाएगा, जैसे यासर भाई ने बताया खुश्क गहरी बीट कर जाएगा जिसमें डार्क ब्राउन काले रंग की जोन सा मर्जी, क्योंकि हर किसी की एक अपनी जुबान है और अपनी जुबान से अल्फाज की अदायगी है। जैसे हम कहते हैं बन जोड़, अब कुदरती तौर पे ये अल्फाज कबूतरबाजी के टर्म में इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर हकीकत देखी जाए उर्दू के लिहाज से तो कोई जोड़ बंद तो होता ही नहीं है, तंग होता है, तंग जोड़ खुला जोड़ होता है, बंद तो होता ही नहीं। लेकिन हमें समझना चाहिए कि दूसरा बात क्या कर रहा है और उसके ऐसे बाद तो वो आंदा सा आ लाइव, ऐसे तो आंदा सा लाइव आ। सही बात। चले शुरू नहीं करें आप, लाइव, मैं 6-7 साल लगातार लाइव आया हूं, सानू जो पिछला ना करना दसो, था पिछला सबक हमने ना, सानू पिछला सबक ना पढ़ाओ, सानू नहीं एक्सपीरियंस पिछला दियो अपना। सबक नहीं पढ़ा रहा, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैंने जो अपना इस कारे खैर में जो हिस्सा डालना था मैंने डाल दिया, मेरा टाइम गुजर गया, अब नए नए लोगों का और लोगों का बड़ा टाइम है, ये आ रहे हैं, इनका टाइम है, ये अब आगे आए। तो रहेगी कबूतरबाजी, कबूतरबाजी मुश्किल नहीं है, मेहनत का काम है, मेहनत मांगती है, बिल्कुल तैयारी मांगती है। मुश्किल अच्छा नहीं है, कबूतर गर्मी हो मुश्किल नहीं। सर्दी हो अच्छा कबूतर ही उड़ता है, अच्छे कबूतर की संभाल है, संभाल के भी मुख्तलिफ तरीके हैं, पानी तो सादा जरूरी है ना, ये तो कुदरती निजाम है। हम इंसान में भी 75% पानी है और कबूतर में भी 75% पानी है, ठीक है, जिसम पानी और खून के साथ ही चलता है, दो मेजर चीजें ही है, और तीसरी मेजर चीज है उसमें ऑक्सीजन, सांस लेगा तो जिंदा रहेगा, ठीक है। तो इस तरह तो और भी ढेर सारी चीजें, अगर हम गप लगाएं तो वो महफिल में टाइम ज्यादा लग जाएगा और लंबा हो फिर जाएगा। इसको करें सम अप, सम H2O। अप, हाँ, इसको सम अप ऐसे ही किया जा सकता है कि भाई आप लोग अच्छी सिमत पे चलें, अपना जो गोल है या जेन में जो मकसद सोचा है उस मकसद के हिसाब से चलें। ठंडा गर्म भाइयों ने बहुत अच्छे तरीके से बयान किया है, मेरी नजर में अपने अपने हिसाब से उन्होंने सारे पॉइंट बताए हैं कि कबूतर कैसे गर्म भी होता है तो पता लग जाता है, कैसे ठंडा भी होता है पता लग जाता है, बाकी गलती हो जाती है, गेम का हिस्सा है, और कुदरती आफत भी आ जाती है। अच्छे कबूतर उड़ते हैं, अच्छे कबूतर ही जाया होते हैं, अच्छे कबूतर ही गिरते हैं तूफानों में, आंधियों में, लगड़बैरी की वजह से, फिर गलती कुताई की वजह से, बहुत सारे अलामत और चीजों की वजूहत बन जाती है ना। ये सम अप इसका। अच्छा, अब आप यासर भाई, आपके लिए सवालात आ रहे हैं कि अगर कबूतर ठंडा हो जी गया, देख फिर रहा पता है चल गया ठंडा, तो उसे थोड़ा सा रिकवर कैसे करें, वो भी थोड़ा सा मैं बता दें साथ। डॉक्टर एंट्री दा यार, उस्तादा दी लत्तां फड़ लो ते गोडे घुटो ना दे डॉक्टर ने, कोई नहीं दी लत्तां घुटो उस्तादा ने कोई। उस्ताद जी सलाम अलैकुम, उस्ताद जी सानू दसो कि इधर तो वेखो छड़ा दो मैं, तुझी इधर तो देखो कौन से। अली आज अदर भाई बहुत बहुत मुबारक, भाई
खैर मुबारक जी, खैर सर साहब दीदार कराओ जी, कितने बैठे हो जे उठे हो तो दीदार करवा दियो, थोड़ी देर खामोश हो सारे तुम दा देने तुम गल भी करवा देने। ये दोस्त है सऊदी अरब से, कल दी डेट ही लंग गई, ये मुनाब भाई है, इनकी छत है, फोन करो भी मैं समझ नहीं आ रहा है। मियां नसीम साहब है, साद मलिक बाबर साहब है, बाबर भाई हाथ लाना जरा। अस्सलाम वालेकुम, बात करनी बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी हुई है माशाल्लाह, करवा दें चेयरमैन साहब से भी और बाबर भाई से भी करवा दें जी। ठीक है ठीक है भाजी, लाइव चल रहा जरा थोड़ी देर में। अस्सलाम वालेकुम पाजी, पाजी बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह रब ने फिर बुला लिया है जी। हाँ जी, अल्लाह ताला दे बड़ा करम होया, तुसी सुनाओ फ्री है ते सारे दोस्त ठीक ने? सब सब माशाल्लाह, अल्लाह दा करम, पाजी बिल्कुल ठीक ठाक जी, बहुत माशाल्लाह। मुबारक कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक है, आप कैसे? मुश्किल पा रही है, आप कैसे? मुबारक हो आपको उम्र की, सब भाइयों बड़े भाइयों, आवाज बड़ी कट कट के आ रही है, नेटवर्क इशू होगा शायद इसलिए कट रही है। सारे मुबारकबाद दे रहे हैं आप सबको जी, खैर मुबारक जी, खैर मुबारक, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। सर मलिक साहब रब बार बार बुलांदा है पे, माशाल्लाह खास करम है अल्लाह ताला दा जी, है उसे पाक जात दे करम है, साडे च ऐसा कोई अमल नहीं है, ओदी रहमत है। चलो माशाल्लाह, ते इस टाइम कित्थे स्टे वे जी? इस टाइम असी हैगे आ मक्के तो दूर तकरीबन कोई 50-60 किलोमीटर। अच्छा अच्छा, फवाद दी छत है, फवाद दोस्त है साडा, नाले मक्के दा चैंपियन है। फवाद ते नवाफ दो भाई ने। अच्छा अच्छा, ए पिछे छत है उहनां दी, शायद तुहानूं नजर आ रही होवे सर, आ रही आ रही। हां जी, ऐ छाते उना दे पीछे जंगल में, ते मक्के तो दूर है 50 किलोमीटर। ए केड़ा इलाका चलाएगा? मक्के दा एरिया, इनू आदे मक्का ही, अब इलाका इन मल्ला जिस तरह आखलो मल्ला हो। अच्छा, वो है मक्का दा हिस्सा, लेकिन वैसे जरा हटवा है शहरदारी तो। ठीक ठीक, अल्लाह पाक कामयाब करे, और आप सबको जो है बहुत बहुत मुबारक हो, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा, सारे भाइयों के लिए दुआ कीजिएगा। सलाम करो मक्के, डायरेक्ट ही सलाम जाएगा, मक्के ही बैठे सारे। माशाल्लाह, जरूर जरूर, क्यों नहीं क्यों नहीं, अल्लाह पाक तमाम भाइयों को लेके जाए जी। जी आमीन जी आमीन आमीन, और सब करिए सब सब खैर करिए, शुक्र। बहुत शुक्रिया जी, आप तीनों भाइयों का बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी आप सबका, उस्ताद जी का भी और हैदर भाई आपका भी जी, बहुत शुक्रिया बात कराने का। मैंने कहा मैं अचानक देखा भाई जा रहा था, मैंने क्लिक किया और मैं रिक्वेस्ट आ। ठीक ठीक, और ठीक हो अरमान भाई? आप भी ठीक हो? अल्लाह का करम हैदर भाई, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र। बाकी यहाँ पे जी ये जिनके पास बैठे हुए हैं, ये 3 साल चैंपियन है यहाँ मक्के से ना, माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। और एक वहां दुबई से भी आया हुआ है वकास, ये सामने। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया, जबरदस्त। ये अहमद नोनी वाली छाता है, ये भी चैंपियन है, इस साल भी हुआ है, उसने काफी कप जीते हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई को बहुत बहुत मुबारक हो जी। हाँ जी, ये हर साल ही नंबरों में होते हैं दुबई वाले, जितने भी कप है ना यूएई के, जो सर्दी के हों या गर्मी के हों, ये सब में उन नंबरों में होते हैं, लाहौर से ये भी ना। ठीक ठीक ठीक, माशाल्लाह। नदीम भाई मैं तुम्हारी गुफ्तगू सुन रहा हूँ, करो गुफ्तगू, मैं सुनना। नहीं, आप के आपकी एक और छत भी है दुबई की, जो अभी रनर अप आई है, सेकंड आई है माशाल्लाह। हाँ, वो भी अच्छी अच्छी गई है। खालद और यूसुफ वो तो गर्मी में भी इस साल भी चैंपियन हुए हैं, आज के जो लास्ट कप उड़ा कल उसमें भी वो रनर अप रहे हैं खालद वगैरह ना। हाँ माशाल्लाह, बड़ा अच्छा उनका भी परफॉर्मेंस जा रही है उधर दुबई में, बड़ी वो टॉप क्लास है, वो मेहनत भी बहुत करते हैं, आम लोगों से ज्यादा मेहनत करते हैं वो, बिल्कुल ऐसे ही है।
अभी मैं लास्ट टाइम गया हुआ था वहाँ पे दुबई, उनका मैंने सेटअप देखा, बड़े अच्छे कबूतर भी हैं और वो मेहनती भी, खुद सारा कुछ करते हैं वो वहाँ पे। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, मेरा भी इत्तफाक हुआ, वीडियो कॉल पे बातचीत हुई है भाई से, देखा है सेटअप वगैरह, कमाल है, मजा आया देख के, बर्ड्स भी देख के, जैसे बंदा कबूतरबाजी में साइंसदान नहीं बन जाता, ऐसे ही हर दिन जिद्दत, हर दिन जिद्दत, ऐसे ही है, ऐसे ही है, बस मेहनत है ना, बात वही है कि भाइयों को शौक है, उनको जुनूनी शौक है बहुत, फिर उस सारी चीजों का पता है ना, अच्छा कबूतर क्या होता है, जोड़ा कैसे लगाना है, किसको आगे लेके आना है, फिट कैसे करना है, उड़ाना कैसे है, कौन से डालने, सिलेक्शन कैसे करनी, सारा कुछ उन्हें पता, बड़ा मैं तो डीपली बात होती रहती वहां पे, तो बड़े अच्छे है उनका दोनों भाई। एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, एक क्वेश्चन है आपकी बात कर रहा हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट, वो ये है कि जो छत्तीस का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो उड़ाने में बहुत अच्छे होंगे दोनों भाई, जी जी कबूतर नहीं, मैं आपको यही बता रहा हूँ, वो पूरे एक पूरी लाइन होती है ना कबूतरबाजी में, मैंने कहा वो पूरी लाइन के ऊपर ही परफेक्ट जा रहे हैं, बड़े अच्छे उड़ाते भी हैं, जबरदस्त। तो अभी मेरा एक सवाल आपसे और है इसी के रिलेटेड, पहले नंबर पे है, दूसरा दूसरे नंबर पे है, क्या बात है, अभी यही कबूतरबाजी, अभी मुझे अभी मेरा सवाल यही है, मेरा सवाल है आपसे, काइंडली मुझे आपने फेयर दिल से साफ साफ सही अच्छा जवाब देना, हमारा भी भला हो जाए और जो सुन रहे हैं उनका भी हो जाए, हमें जो पता होगा जवाब ही देंगे इंशाल्लाह जी। जो जब कबूतरबाजी में मजा कब आता है, एक सवाल तो मेरा यह छोटा सा, कब मजा आता है, जब जोड़े, जब आपको कबूतर उड़ाने की समझ आ जाए तब आपकी कबूतरबाजी में जिद्दत आती है, कबूतर जोड़े अच्छे आप लगाते हैं, या बगैर उड़ाने के आपकी ब्रीडिंग अच्छी रहती है, या कुछ और सेंस, इसमें मुझे थोड़ा सा आप बताएं, क्योंकि आज हमारा टॉपिक है, सॉरी आज हमारा टॉपिक है जो नदीम भाई का वो यही है, भी छेड़ना टॉपिक पे, जो जो हमारा टॉपिक है उसका जवाब दे, जो जोया साहब आपने पानी का जो जवाब है ना, जोया साहब दे सकते हैं, कोई नहीं दे सकता, वो मैं बाद में लूंगा, आप इनके सवाल का जवाब दें। अच्छा बेसिकली बात ये है कि हर बंदे का एक शौक, ये शौक है ना, किसी को शौक होगा जोड़ों का, किसी को होगा उड़ाने का, अब आपने मुझसे सवाल किया तो मुझे शौक है उड़ानों का, उड़ाने का, तो मैं समझता हूँ कि अगर कबूतर मैं अगर रखी हूँ कबूतर और मैं उड़ाने छोड़ दूंगा ना, तो मैं कबूतर भी छोड़ दूंगा, और मजा कबूतरबाजी में उड़ाने में तब आता है जिस सीजन आपके अच्छे उड़ जाए आपको मजा आएगा, जिस सीजन नहीं उड़ेंगे आपको मजा नहीं आएगा। अगर किसी ने जोड़े रखे हुए हैं तो उसे उससे उससे उसके जोड़ों का उसका किसी जगह पे नाम आ जाए, मतलब मैंने जोड़े रखे हुए हैं और मैंने और मगान भाई को दो बच्चे दे दिए और बच्चा बाजी में आ गया, तो मुझे उस दिन मजा आ जाएगा कि मेरा बच्चा बाजी में उड़ गया, शौक का तो यही मजा है, इसके अलावा दूसरी तीसरी कोई बात नहीं है इसमें, बिल्कुल 100%। लेकिन बीच में जो मेरा सवाल था कि आप ब्रीडर भी हैं अभी माशाल्लाह, मैंने आपके जोड़े देखे हैं, उस्ताद जी ने भी लगाए हुए हैं, इनके चेयरमैन साहब ने लगाए हुए हैं, तो उन्होंने लगाए हैं, आपने खुद भी लगाए, मैंने देखे हैं आपकी वीडियोस देखी है, बड़े क्लास के, आप कहते हैं ये नर ये मादी इंशाल्लाह ऐसे बच्चे ऐसे ये उड़ेंगे, इस तरीके से उड़ेंगे, इस तरीके से बैठेंगे, अब असल वो आप उड़ाते हैं कबूतर, जी जी पूछें, अब वो आपको उस पे है ना, जो आप इतना कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि ये इसकी उड़ान, इसका तरीका कार मैदान में ये है, इसके करेक्टरिस्टिक ये है, इसकी खूबियां ये है, नर की खूबियां ये है, बिल्कुल हाँ, अब इसके रोशनी डालें, जरूरी नहीं है कि मैंने जितने जोड़े लगाए हुए हैं वो सारे उड़े हुए हैं, हाँ लेकिन मेरे पास अब उनका रिजल्ट जरूर है, मेरे उनके पास भाई उनके बाप उनकी माँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे रिजल्ट है मेरे पास, इसमें परफेक्शन आ जाती है, आपको किसी से पूछना नहीं पड़ता, मैं इसे ज्यादा वर्ड यूज करते हैं यूज डिग्री, हमें उन्हें डिग्री पता होती है, ये इसकी पेडिग्री, और आपके पास अगर कबूतर हो तो वो पेडिग्री होने चाहिए, दूसरा कोई कबूतर नहीं होना चाहिए। लव यू जवैया साहब, मजा आ गया दोस्तों, ये जो भाई ने बात की है, साहब जी ने बात की है, यकीन मानो लख रुपए की गल जे कि सोने का मरका लैके तो उसे लिख लो पक्के पैन नाल पक्के मारकर नाल, जब तक आपने कबूतर उड़ा के उनके करैक्टरिस्टिक्स दिमाग में नहीं ना रखने कि ये नर मैंने उड़ाया था,
ये नीचे तले रहता है फिर आसमान जाता है, ये मादी ये उठते ही आसमान चली जाती है। उसमें जब आप उनको पकड़ के देखेंगे ना, जो नदीम भाई के बाल गिर गए हैं, रघुमान भाई ने चेहरा लगाया है नेक के ऊपर, तो उनकी हड्डी की शेप उनकी बनकर डिफरेंट होगी, ठीक है ना। मैं हाथ में पकड़ के नहीं, मैं आसमान में तोड़ के बात कर रहा हूँ। भाई उस्ताद है माशाल्लाह, बड़े बहुत बड़े। भाई की बात सुने, मेरा लाइव आने का मतलब कि मैं नहीं आता, वैसे मेरा एक मकसद ही था, आप उस बात की तरफ आ गए तो मैं इसलिए उसका ना एक थोड़ा सा जवाब दे दूं। देखिए आजकल जो लाइव चल रहा है ना, उसमें हम ज्यादातर लोगों को इस चक्कर में डाल रहे हैं, आंख इंज दी होनी चाहिए, पार इंज दा होना चाहिए, हड्डी जोड़ फलाना टमकाना। आप यकीन माने, अगर आपको डिग्री का पता है ना, तो ये सारी चीजें आपके लिए फजूल हो गई। आप कहेंगे सब कुछ फजूल, आप इसका प्रैक्टिकल करके देख लें। आप किसी अच्छे, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दे देता हूँ, जैसे आप चेयरमैन साहब के घर चले जाते हैं, आप 10 वहां से कमजोर पले हुए हैं जो बच्चे, उनके पर भी खराब होंगे, हड्डियां टेढ़ी होंगी, जोड़ खुले होंगे, वो लागे कहीं पे छोड़ दें और कहीं ऐसे घर में चले जाएं जिसकी डिग्री का आपको नहीं पता। आप वहां से 10 बच्चे ले हैं परफेक्शन के ऊपर, इन्हीं चीजों के ऊपर, हड्डी जोड़ और पर के ऊपर, उनके रिजल्ट में जमीन आसमान का फर्क होगा। अगर आपको डिग्री का पता है तो ये चीजें आपके लिए मैटर नहीं करती, इनका माइनर सा रोल है। अगर आपको डिग्री पता है, ये प्रैक्टिकल करके हमने देखा हुआ है। एक बड़े अच्छे मेरे दोस्त है, इस साल पिछले साल भी वो मेरी मादी उड़ी है, इस साल भी उस मादी के 69 घंटे हैं 7 मादियों के, और उसका जोड़ आप जब चाहे आके देख लें, खुला हुआ है, खुला होगा, नीचे से घूमी हुई है, कोई मसला नहीं। और इस साल मेरे साथ ये हुआ है कि मेरे जो नर थे ना, वो मैंने जिस खुडे में छोड़े हुए थे ना, वहां पे कोई मुझे प्रॉब्लम आ गई उनके साथ ना, उनके पर ऊपर से ना जैसे सुंडी फिर जाती है और वो पर खा लेते हैं ना, परियां उनकी परियां उड़ गई और पर ऐसे हो गए जैसे डंडे होते हैं, रेशम खत्म हो जाता है जब वो ऐसी प्रॉब्लम आए। हाँ जी। और वो कबूतर खैर मैंने फिर वो बाजी में नहीं थे डाले, जिनके पर ठीक थे मैंने वही डाले थे, लेकिन मैं उन्हें उड़ाता रहा हूँ, वो इस टेम्परेचर में 3, 3.5, 4 तक वो भी बैठते रहे जिनकी परियां नहीं थी, और उनके पर डंडे, ये नहीं थे कि वो डंडे हैं, वो उनमें रेशम नहीं है, उन्हें कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई ऐसा वहां पे कोई चीज ऐसी थी खुडे में जो उनके वो ऊपर घूम गई और वो सारे बड़े अच्छे सर, वो भी शाम तक उड़े, सिर्फ क्या था कि उनका ब्लड अच्छा था। भैया भाई आपने एक बात की है कि आप बच्चे ले आए चेयरमैन साहब के शादी के घर से, वो बेशक अच्छे पले नहीं है, ठीक है, वो मारपूते हैं, टेढ़े मेढ़े हों, ठीक है, लेकिन वो देखे ना उसके पीछे जो उनके माँ बाप है, ठीक है, वो तो अच्छे है ना, वो तो पूरी पढ़ाई के हैं, जो आप आपने जोड़ा लगा पीछे का पता होगा ना, तो हम क्यों ना के अब देखे आप लोग माशाल्लाह और मगान भाई हैं फेसबुक, नदीम भाई का तो डेफिनेटली प्रोफेशन है ये, और भी बहुत से दोस्त आते हैं, बजाय इसके कि हम लोगों को इस चक्कर में लगाएं कि ए हड्डी लबो ए पार लबो एंज लबो, उन्हें सिंपल बताएं भाई पेडिग्री कबूतर ढूंढे, आप नदीम भाई के पास जाएं, उनका देखें, वो नदीम भाई ने आपका पेपर लगा हुआ उस पर लगा हुआ जी 5 नंबर जो कबूतर जो है ना वो बाजी उड़ा इतने बजे बैठा, 5 नंबर इतने बजे बैठा, तो आप जाके वो 5 नंबर ही लें, आप दूसरे क्यों लेंगे, आप वो 5 नंबर लें, आप मसला हल हो जाएगा। बिल्कुल सीधा सवाल जो या साहब एक बात कन्फर्म है, मैंने चंद एक बंदे जिंदगी में ऐसे देखे हैं, जब हाथ में कबूतर आ जाता है ना, हाथ में कबूतर आ जाता है, डिग्री एक साइड पे रख दो, ब्लड एक साइड पे रख दो, वो ये भी बता देते हैं कि ये जोड़ा मैंने फलानी जगह पे लगाया था, तेरे पास कैसे आया, ऐसे ही है। मैं चेयरमैन साहब की बात कर रहा हूँ कि चेयरमैन साहब के हाथ में कबूतर आता है तो उसका टेगा पाचा करके साइड पे कर देते हैं। मुझे ना अक्सर दो सवाल पूछते हैं कि यार आप किसको मानते हो, तो वो डेफिनेटली मेरे उस्ताद हैं तो मैं उनको मानता हूँ, लेकिन वो इस तरह नहीं मैं मानता कि अब मैं अभी ये अरबी मुझसे पूछ रहा है, तो वो भी देखते हैं फेसबुक के ऊपर कि आपने इतने जोड़े लगाए, रिजल्ट क्या है, मैंने उन्हें बताया कि 80 जोड़े मेरे पास ऐसे हैं, 112 जोड़े उस्ताद जी ने लगाए, 80 जोड़ों के बच्चों ने स्टैंप खाई है पिछले 3 साल में, मुख्तलिफ सीजन में मुख्तलिफ छतों पर, जैसे हमारा लेन देन है सब दोस्तों को मैं देता हूँ। अब मैं एक छोटी
सी मिसाल दे देता हूँ जो आपने बात की है। हम लोग ना 2019 की बात है, हम लोग छत पे बैठे हुए और रात उस्ताद जी की छत पे, रात एक ना लड़का गांव से, उस्ताद जी के गांव से था एक लड़का, ये है विकास भाई, ये दुबई में चैंपियन है जी। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, बहुत मुबारक हो भाई जनाब को। अल्लाह ताला आपको भी बुलाए जी, आज बैठ जाओ। आमीन आमीन। बैठ बड़ी बड़ी इंटरेस्टेड बात है जो मैं आपको अभी सुनाने लगा हूं। जी जी। तो एक वो बंदा ना कबूतर ले आया, दो ना, वो पट्टी पट्टा समय के लाया था लेकिन वो दोनों पट्टे थे। वो लेके आया कबूतर, तो उस्ताद जी ने ना कबूतर, अंधेरा था बैठे हुए थे, उस्ताद जी ने कबूतर देख उठ के चले गए रोशनी में ना थोड़ा। उन्होंने कहा उस्ताद ने कहा कहाँ से ले गया? उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे ना कोई बंदा है, वो वैसे उसने जोड़े ही रखे हुए हैं, उसे उड़ाने का या कबूतरबाज नहीं है, उस्ताद की शागिर्दी नहीं है, वो वजीर आला हाउस में 21वें ग्रेड का ऑफिसर था और ये उसके घर है। उस्ताद जी ने कहा जी ये हमारा ना एक जोड़ा था ठापो वाला, उसे कहते हैं कहते जे ठापा वाले का पार है, एक पार हो रहे एक ठापा वाले का। वो कहता नहीं भाजी वो कबूतरबाज नहीं, होता एवं बस उन्हें रखे ने। वो वहां पे ना बात बहस में आ गई। उस्ताद जी ने ना अगले दिन भेजा यासर, लड़का होता है ना वहां पे यासर, वो अभी इसके साथ जाके देख के आना और उससे पूछना है कि उसने इसका जो वो है ना माँ बाप कहाँ से लिया। वो यासर गया अगले दिन, अचानक मैं भी अगले दिन वहां पे था, यासर आ गया वापस। यासर ने बताया जी 19 नंबर कड़ी डली हुई है हमारी, और उसने जो हमारा जो पहले मोहब्बत था पप्पू था उससे कबूतर लिया हुआ, लेकिन जो 19 नंबर कड़ी डली हुई ना वो कबूतर किसी के पास नहीं है। उस्ताद जी ने यासर को कहा कि 19 नंबर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा नहीं उन्होंने कड़ी 19 नंबर पई, पाजी ने कहा कड़ी पई होगी 19 नंबर नहीं हो सकता, पप्पू 19 नहीं दे सकता। और यासर कहता नहीं जी 19 है। पाजी कहता अगर पप्पू ने 19 दिता होगा तो मैं कबूतरबाजी छड़ दें, तो 19 का पुत्र भी नहीं है। वो हमने पप्पू को फोन किया, पप्पू को जुबानी याद होता है, वो पप्पू ने कहा जी भाई और ठापा जो दुबई जोड़ा चला गया उनका पुत्र दिता है। और फिर देखे हमने उन दो भाइयों में से एक भाई रख लिया, वो मेरे घर आ गया, जोड़े लग गया मेरा 30 नंबर वो जोड़े में लगा हुआ है, और उसका बच्चा इस साल 7 प्यारे उड़ के गया, 7 प्यारे उड़ा है। और इस गर्मी में जो पिछली चेतर, 4 चेतर और 3 बैसाख के, और मैंने वो अंधेरे का नहीं था लगा हुआ इसलिए मैं उसके साथ छेड़छाड़ नहीं था करता, 4:30, 5:30, 5:30, 6 इस रूटीन में वो निकल के बैठ जाता है। 7 प्यारे उड़ के वो गया और वो कबूतर हमने किसी के घर से आया पकड़ के रख लिया। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल है कि उन्होंने कबूतर दिखाया वो सियालकोटी है, अब सियालकोटी हमारे पैटर्न पे नहीं है, इनका जो हमारी पार्टी हम लोग हमारे पास नहीं है। वो जब आया तो उस्ताद जी ने उसे बताया कि ये कबूतर जो है ना ये बहुत बड़ा कबूतर है, तो उसने बताया कि जब यहाँ पे तूफान चलते हैं ना मट्टी वाले, ये तब बच्चा था और ये इनकी डेली की बाजी होती है रोजाना बाजी, और ये उस तूफान में भी 2:30 बजे तक डेली उड़ के बैठता रहा, मट्टी वाला तूफान चलता है। और वो सियालकोटी इतना मोटा वगास भेजते हैं, वगास भी देखा तो उन्होंने कहा ये तो ये परफेक्शन है, लेकिन अब ये देखें कि उसके पीछे कितनी उम्र गुजर गई है और किन उस्तादों से उन्होंने सीखा है। देखा उन्होंने अपनी कम से कम 50 साल जिंदगी कबूतरबाजी में दी है। कोई शक सही बात है, तजर्बा और मियां साहब के साथ मेक्स मैन परफेक्ट। 40 साल से मियां साहब के साथ आलू। इमरान राणा मैं जवाब, इमरान राणा का मैसेज है, जवाब दे दे उसे। मैंने नहीं दिया हैदर भाई, अल्लाह के घर में अल्लाह करो अजाब है असली, अल्लाह अल्लाह करके उमरा नमाज इशा भी इससे पड़ी हो ना। अच्छा हैदर भाई आज ना मैंने एक टॉपिक रखा हुआ है कि सादे पानी का कबूतरबाजी और फिरतों में किरदार, जो एक्सपीरियंस आपको इस सीजन सादे पानी ने दिया है ना वो मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल भी नहीं दे सकता, कुछ अपनी अच्छी चीजें हमारे साथ शेयर करें। सादे पानी के ऊपर कबूतर की सवाल जाते हुए आते हुए कैसे करते रहे, क्या सिलसिला है ये? अवकाश भाई आपको जवाब दे। अस्सलाम वालेकुम। देखें जी गर्मी में जो प्यास बुझती है ना वो पानी से बुझती है, मशरूबात से नहीं बुझती, सही है? आप जितना भी कोई आप गर्मी से बाहर आना जितना मशरूबात पिए ना आखिर आपको आखिरकार प्यास फिर भी रहेगी और पानी से ही प्यास जाती है। कबूतर को जब तक आप पानी नहीं ना देंगे सादा तब तक कबूतर की प्यास नहीं जाएगी, जितना भी आप जो कुछ मर्जी दे लें।
पानी ही कबूतर की प्यास बुझा सकती है। हाँ, कबूतर को पानी आए उसको पानी पीने दें उसकी तसल्ली से, उसकी प्यास जब बुझ जाए उसके बाद आप उसको कल्टी पलटा के या आपको कोई भी चीज देनी है उसके बाद दे लें। पहले कबूतर को सादा ही पानी देना चाहिए क्योंकि उसकी प्यास बुझेगी तो कबूतर, ये ना हो आप दूसरी चीज कबूतर पानी के पीछे भागता रहे प्यास की वजह से। सबसे पहले कबूतर की सादे पानी से ही प्यास बुझानी चाहिए, मेरा तो ये तजर्बा है। अब आगे आप चले विकास भाई असिस्टेंट विकास भाई उड़ रहे हैं पिछले 10-15 साल से दुबई में, माशाल्लाह मैंने इनकी छत विजिट की है, वहाँ पे हर साल के को 20-20 कप पड़े हुए हैं। अल्लाह का इज्जत दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सारा कुछ खुद ही करते हैं, जोड़े भी खुद लगाते हैं, उड़ाते भी खुद हैं, संभालते भी खुद हैं, दवाई दारू याद ही करते हैं। अच्छा पैदर भी आपका शुक्रिया कि आपने विकास भाई को साथ लिया। इन्हीं बातों के हवाले से ना एक भाई का हमने इंटरव्यू देखा, नाम नहीं लूंगा, इंटरव्यू देखा तो उसने ना एक लास्ट पे जो बात कही ना वो मैंने सेव करके रखी है। पहले मैं उसे भेजने लगा, मैंने कहा इसको भेज के पूछता हूँ मुझे ये वाली निशानी बताओ कि ये किस कबूतर में निशानी हो। मैंने कहा नहीं यार इस तरह वो शायद बुरा ना मान जाए। मैंने कहा जब मेरी उससे लाइव मुलाकात होगी ना, मैंने लाइव मुलाकात में उससे पूछना है कि यार है तू मेनू आज निशानी दसनी थे, मैं तेन जान देना नहीं। कोई नहीं, जो भी सवाल हमारे नॉलेज के मुताबिक होगा तो हम ये बात मैं विकास की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि हम लोग अपनी तरफ देख लेना। अगर हम जिम जाते हैं या कुछ भी करते हैं तो हम कुछ भी यूज कर रहे हो ना, जब तक हमने सादा पानी ना पीना तो हमें तसल्ली नहीं होनी की यार हम पी लिया तो ठीक है। हम भी ऐसे ही करते हैं, जाते हुए भी आते हैं सादा पानी। अच्छा हैदर भाई एक तो अपना एक्सपीरियंस जो जाते पानी का है वो हमारे साथ जरूर शेयर करें, पहले वो शेयर करें उसके बाद हमें आगे चलता हूँ। नदीम भाई जब कबूतर स्टार्ट हो जाता है ना, मैं स्टार्ट की बात कर रहा हूँ, जब हम उससे प्रॉपर हम फड़के लेना शुरू कर दें अपनी मर्जी से, तो हम लोग उसमें ना 5 मौसम के हिसाब से ना जब कबूतर को उड़ाने लगते हैं ना 5 सीसी से मैं स्टार्ट करता हूँ कि मैंने जैसे जैसे उड़ाने ना कबूतर, ये मैंने पकड़ा कबूतर 5 सीसी पानी दी और बाहर छोड़ के आना, ये मेरा तरीका। उस 5 सीसी को फिर मैं जब समझता हूँ कि ये खींचने लग गया ये ठीक है, उसे 7 कर लिया, फिर 8, फिर 10, मैक्सिमम 10 सीसी से ज्यादा नहीं, ये मेरा अपना ज्यादा। इस साल आपने ये एक्सपीरियंस किया, अल्लाह ने बड़ी ज्यादा जो है ना वो करम किया, अच्छी परफॉर्मेंस रही, टॉप की मतलब इतनी गर्मी में भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा कबूतर नहीं लगा जिसके ऊपर हमें मेहनत करनी पड़े। अच्छा एक चीज और बताएं, जो सादा पानी देके जब आप कबूतर उड़ाए पिछले सालों की निस्बत इस साल क्या फर्क पड़ा, वो भी जरा शेयर करें हमारे साथ। नहीं आप पिछले सालों को इन सालों से कंपैरिजन नहीं कर सकते, इस साल कुछ और गर्मी थी पिछले साल कुछ और गर्मी थी, जो दोनों डिफरेंट चीजें हैं वो मैं इस पे कंपैरिजन नहीं कर सकता। इस साल सख्त गर्मी थी और लंबी गर्मी चली है, लंबी गर्मी। हाँ पिछले साल ऐसे होता था हफ्ते 10 दिन बाद बारिश आ जाती थी, हफ्ते 10 दिन बाद अच्छू से गर्मी शुरू हो गई थी। हाँ जी अच्छू से गर्मी शुरू थी। इस साल चेतर में जब आखिरी 15 दिन रह गए, मैं क्या वो डेट बता देता हूँ, मार्च के हिसाब से ना 1-2 मार्च को जो कबूतर रात को 8-9 बजे बैठ रहे थे ना, वो सुबह 11 बजे बैठने लग गए थे, एकदम गर्मी इतनी तेज हो गई थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होके गए हैं शाम तक ना, और फिर बहुत सारे कबूतर जाया भी हुए हैं, इनके कबूतर तैयार नहीं है, गर्मी पहले आ गई। अब जिन्होंने बिसाख, हमने चेतर के लिए निकाले हुए थे, हमारी थोड़ी बचत होगी, जिन्होंने बिसाख के लिए निकाले गर्मी ज्यादा थी वो कबूतर डेवलप नहीं हुए, छतें बंद हो गई, जिन्होंने जेठ के लिए निकाले गर्मी ज्यादा थी कबूतर डेवलप नहीं हुई छतें बंद हो गई। तो ये मुख्तलिफ था सीजन वाइज, आप देखें अब आप नदीम भाई आप तो लाहौर में आपको पता 46-47 कंसिस्टेंट टेम्परेचर रहा, 47 प्लस ही रहा,
वो पिछले सालों में हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, वो पिछले साल और थे। ठीक हो गए। अच्छा यहाँ पे ना हमें हैदर भाई दो चीजें सिर्फ बता दे, एक जब ठंडा कबूतर हो उसकी क्या निशानी है, एक जला हुआ कबूतर हो उसकी क्या निशानी है, ये दो चीजें हमारे साथ शेयर करें। विकास भाई जवाब दे। जी जी विकास भाई, मेरे मेरे हिसाब से जो ठंडा कबूतर होता है उसका हाजमा, पहली बात तो है वो हाजमा उसका कबूतर का खराब हो जाता है, वो अच्छा हाजम हजम ही नहीं करता, गर्म कबूतर ही हजम भी करता और उड़ता भी गर्म ही है, और जो ज्यादा गर्म कर दो उसको वो या तो हरिये बीठे मारना शुरू करता है और जाया होना भी शुरू हो जाता है कबूतर, जो ठंडा होगा उसमें वो सफेदी ये होता है ठंडा कबूतर, एक हाजमा खराब हो जाएगा उसका, वो चर्बी वाले बीठे मारेगा और पहली बात तो इतना उड़ेगा भी नहीं, उड़ान भी छोड़ अपनी उड़ान भी कम कर देगा वो कबूतर, जो कबूतर गर्म आपकी बात काट रहा हूँ मैं थोड़ा ऐड कर रहा हूँ, जब कबूतर बैठेगा जो ठंडा कबूतर होगा वो कैसा बैठेगा ये प्लीज बताएं, और जो एक्स्ट्रा गर्म कबूतर है वो मौसम से बाहर के आएगा कैसे बैठेगा वो भी प्लीज बताएं, फिर बताएं आगे कैसे बैठेगा क्या करना है। अच्छा चले अभी ये दो चीजें हैं, देखो एक कबूतर जो प्रवाह छोड़ दो चीजें होती है, तलक और कबूतर ठंडा, कभी कभी दोनों कबूतर सेम ही मुंह खोल के बैठ जाते हैं, जरूरी नहीं है वो उसमें। हाँ, बिल्कुल अक्सर मुंह खोल देते हैं, मुंह खोल के बैठे और उसका वो बैठने का अंदाज वो अलग होता है, वो ऐसे बैठते जैसे ये उड़ा ही नहीं हुआ, क्यों जो ठंडे कबूतर होते हैं, जो गर्म जो कबूतरों के कबूतर का हाजमा हर चीज है वो उनका कुंदा ही अलग होता है, वो कबूतरों का वो कुंदा नहीं होता, वो कुंदा अलग पता चलता है यार ये कबूतर माशाल्लाह रेडी है उड़ने वाले हैं, ठंडे कबूतर पहली बात बात ये है कि उड़ान उड़ान छोड़ देते हैं और उनका हाजमा भी खराब, उड़ के आएंगे तो ऐसे ही लगेगा जैसे यार ये तो उड़ा ही नहीं है, पता नहीं ऐसे ही कबूतर गर्म ही उड़ता है, घूम उसी फिजिकली कुछ चेंज हुआ होगा, उसकी दुम में कुछ चेंजिंग आई होगी, उसकी आंख में कुछ चेंजिंग आई होगी, ऐसा कुछ है ग्राही हमारे पास नहीं है, हम प्रैक्टिकल में इतना नहीं देखते, ये बात है ये जो जितनी ज्यादा ग्राहियों में जाते हैं बाकी मैदान है, जो बंदा उड़ा रहा है ना जो बंदा उड़ा रहा है उसे अपने कबूतर के आगे बैठना उसे पता है मेरे कबूतर को क्या होगा, ये खुद उड़ा रहा है, देखो ये जो नीचे आके बैठा होता है ना ये उसकी आंख होती है देखने की, जिन्ना मर्जी कह दी जद तक मुंह चो गल नहीं ना निकलनी पन्नियां ने नहीं करना, मैं आपको सही की बात बता दूं, जब कबूतर आया होता है ना आपका कबूतर, एक कबूतर आपका शाम को बैठ रहा है, जब वो 12 बजे नीचे आ गया जो उसको वो वर चला रहा है ना, जो कबूतर खुद उड़ा रहा है उसे फौरन पता चल जाना मेरे कबूतर को क्या, नीचे आदमी को पता है, बाकी चीजें दोस्तों को बताने के लिए ना इंज करेगा इंज करेगा, लम्बे पै जाएगा पुट्ठा पै जाएगा, सीधा कबूतर का फर जो होता है ना वो बता देता है, क्या बात क्या बात जबरदस्त, आप एक मरतबा देखने मेरा ख्याल है जो उड़ाने वाले वो ऐसे कबूतर आया होगा सामने वो बता देगा कि ये गर्म है या ठंडा है, यानी कि आप कह सकते हैं कि वो रूटीन से हटके उड़ेगा, आपको पता चलेगा कबूतर के साथ कुछ हुआ है, बुलंदी नहीं करेगा, पहली बात तो बुलंदी ही नहीं करेगा वो कबूतर, चमक में रह के 10-11-12 मैं भी खामोश होके जम गया हूँ, मैं बोल देता हूँ आधे घंटे से यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आधे घंटे से सारे यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बंदा बहुत गहराई में गया ना वो भी डूब गया वापस नहीं आया, और जो कबूतर भी बहुत गहराई में गया वो भी डूब गया वापस नहीं आया, शॉर्टकट प्रैक्टिकल ये है कि हर उस्ताद का एक अपना कुलिया है, एक अपना हाथ बैठा हुआ है, ठीक है, ठंडा गर्म को देखने का संभालने का, पानी एक ही मोटी वाल है 10 तरीकों से लगती है, कोई मजून में डाल के लगा रहा है, कोई 2 डाल रहा है, कोई 1.5 डाल रहा है, कोई 1 डाल रहा है, कोई उसी मजून को पानी के अंदर घोल के तो 2 मोटी वाल डाल रहा, ठीक है, तो इसमें जितना जाएंगे जितनी गहराई करेंगे उतना बेकार मकसद नहीं है, बात सिर्फ ये है ब्लड लाइन, और आपको एक दफा पहले भी बताया था 6-7 साल से मैंने भी चीख चीख के नेट पे ये बात कर दी है, देखें आप BMW गाड़ी क्यों रखते हो, सुजुकी ऑल्टो भी रख सकते हो, एक दिन मैं कमाऊंगा म्यारी कोठी बनाऊंगा म्यारी गाड़ी रखूंगा कबूतर रखने, जैसे भाई ने अब वो पैटेगरी का उनको पता है ना, ये 5 कल है इसको लाल परी से डाल, उनको पूरा अपना निचोड़ निकाला हुआ 40 साल का, इसलिए वो ये चीज जानते हैं कि उन्होंने क्या करना है कैसे करना है क्यों नहीं करना है, दाना पानी घूम फिर के दाने पानी पे बात कर लो या संभाल पे बात कर लो, हर किसी की अपनी है। दाने पानी जब आपके पास अच्छे कबूतर डेवलप हो गए ना आप यकीन करें आपका दिल ही नहीं करना आप किसी को कुछ नहीं करें,
मैं भी एक सवाल के बाद आपको जवाब दूंगा सुबह मैं। ऐसे ही है, ये बात भी है और साथ ये बात भी है कि हैदर भाई जरूरी नहीं कि दाना पानी सिर्फ वही है। दाना पानी का मकसद यही है कि उसमें खुराक से लेके ना शुरुआत से लेके संभाल तक अपने 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 लफ्जों की इंटरप्रिटेशन है, चीज वही है। आपने अगर BMW का नाम लिया, बड़ी बड़ी गाड़ियों का नाम, लेकिन उसका अगर ड्राइवर अच्छा नहीं है ना तो वो भी ठोक देगा कहीं। सुजुकी कैरी डब्बे ये तो कॉमन सेंस की बात है। सुजुकी कैरी डब्बे वाले को तो आप BMW लेने का फायदा भी कोई नहीं, जाए पहले ट्रेनिंग लेके आए फिर BMW चलाए। गाड़ी चाहे जितनी भी अच्छी हो उसका ड्राइवर भी अच्छा होना चाहिए ना। मुझे बड़ा मजा आया जिसने BMW रखनी है उसने ड्राइवर भी बनना ही है ना। सुजुकी ड्राइवर तो नहीं अब BMW रख सकता। जो बंदे प्रैक्टिकली में है या जो बंदे रिसर्च पे है ना उनकी थिंकिंग में उनके अल्फाज में उनके काम करने करवाने में बहुत फर्क है। बहुत ज्यादा फर्क है। मैं एक पिछले साल 2020 में हमारी कसूर वाली छत पे कबूतर खराब हो गए थे। हमारे एक बहुत बड़े उस्ताद थे, उन्होंने मुझे कहा यार क्या करें। मैंने उन्हें कहा जी आप उधर उन्हें बुला लें, वो समझदार है कर लेंगे। वो आ गए, अब मैं उससे पहले नहीं था गया हुआ, वो आ गए, कबूतर ऑलरेडी ठंडे थे। उन्होंने आके दोबारा फिर कबूतरों को ठंडे कर दिया और 40-50 कबूतर और जाया हुआ। आपको थ्योरी बताते हैं, नाम नहीं लेते, बड़े बड़े उन्होंने टूर्नामेंट छुड़ाए हुए। लेकिन ये एक यूनिक बात आपको मैं भी सुनाता हूं। मैंने जाके देखा है, मैंने एक दोस्त के साथ डिस्कस किया, मैंने कहा यार हमें कंफर्म हो गया कबूतर ठंडे। हमने थोड़ी बहुत जितना को नॉलेज था उसके हिसाब से एफर्ट की। एफर्ट करने के बाद वो कबूतर उनमें से 14-15 कबूतर ठीक हुए, बाकी ना ठीक हुए। पहले दिन उड़ाए 3 ना बैठे, ठीक थे वो ना बैठे, तूफान आ गया ना बैठे। अगली 4 बाजियां उन्हीं कबूतरों के साथ पूरे कसूर को हमने फारिग कर दिया। क्या बात ये बड़े लेजेंड उस्ताद हैं भावलपुर साइड के। नाम लेना समझता कि नाम भी नहीं चाहिए किसी का, लेकिन बड़ी एंटीक और यूनिक थ्योरी है जो आप लोगों ने शायद हो सकता है किसी ने सुनी भी हो। वो अपने कबूतर के जो पोटे होते हैं ना पोटे, ठीक है, वो इस पे ब्लेड से कट लगा देते हैं उड़ाने से पहले। देखा तो कहने बताने का मकसद मेरा क्या है, बताने का मकसद यही है मेरे भाई कि हर किसी का एक अपनी टेक्निक है, एक वे है। कोई किसी पार्टी से मुंसलिक है, कोई किसी उस्ताद से मुंसलिक है, उसने जो इल्म तालीम ली है वो उस हिसाब से उस पैटर्न पे उड़ा रहा है। जिसने किसी और उस्ताद से लिया है वो उस इल्म पैटर्न पे उड़ा रहा है। मेन जो मकसद है ना जो भाई हैदर ने भी बात की है वो यही है कि आप लोग हड्डी जोड़ से बाहर आ जाए, ये मियारी बातें हैं। तराशना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप अशरफुल मखलूकात है, अल्लाह ने आपको इंसान बनाया, एक दिमाग अता दिया है, आप सिलेक्शन करके तराश सकते हैं कबूतर। जाना हो ना तो जो हमारे माशाल्लाह सेठ वाले कबूतर है ना उनके जितनी हड्डियां जोड़ नोके लेकिन जो ब्लड लाइन है ना उसके ऊपर फोकस करें, मेंटेन रखें। बर्ड सारे अच्छे होते हैं, कोई कबूतर भी बुरा नहीं होता, सिर्फ हमारी मकसद के मुताबिक की बात है। हम आने वाले लोगों के लिए आसानी पैदा करें, हमारे पास फोर्स है, हमारे पास बिल्कुल पावर है, हम लोग फील्ड में जैसे नदीम भाई एक चैनल से आ रहे हैं तो हमारे पास स्पीकिंग पावर है ना, इनके पास स्पीकिंग हमसे ज्यादा स्पीकिंग पावर है। तो सही बात है, को ज्यादा घुमाना चाहिए जिन बातों से किसी का फायदा हो सके। नदीम भाई के पास स्पीकिंग पावर है तभी तो हमें तंग किया हुआ ना। स्पीकिंग पावर अपना चैनल है, देखने वाले लोग हैं, तो किसी को बात हो तो उसे मैं अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मैं समझ अगर मेरे पास प्रैक्टिकल नहीं है ना, अगर मेरा कोई मैं खुद भी रखा, अगर मेरे नहीं उड़ेंगे ना तो मैं किसी को बात बताऊंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। सही बात है, कोई शक नहीं। तो मैं किसी को बताऊंगा आप ऐसे उड़ाओगे तो वो मेरा फिर क्या हाल होगा। सही बात, ऐसी है 100% ऐसी है। जो बात माने, एक चीज सिर्फ मैं जितने भी देखने वाले दोस्त है उन्हें एक बात बता दू, आप किसी चीज के पीछे भागने से पहले पेडिग्री ढूंढो। ऐसी आपकी सिमत सीधी हो जाएगी, बाकी चीजें जो उड़ाने का काम है ना, जब आप एक जेट उड़ेंगे अपने हाथ से दूसरा उड़ेंगे तीसरे में आपको पूछने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपको अल्लाह ताला ने अकल शऊर दिया तो तीसरे जेट में आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी, आप खुद ही सब कुछ कर
बाकी गलतियां सिखा देती हैं। ये कितनी अच्छी छत है पंजाब लेवल पे हसन लाली मिट्टू लाली की, ठीक है। तो इस बार उनके पास से भी उनके पास भी बर्ड खराब हो गए। ये तो एक नेचर कुदरती अमल है, बर्ड खराब हो जाना, ऐसे हादसात हो जाते हैं। बाज का ऐसे ही हो जाता है कि जो आपको पता ही नहीं होता कि आप एक अच्छाई के लिए काम कर रहे हो उससे बुरा हो गया। 100% ऐसे ही है। वो आपके कबूतरों ने स्टेप नहीं किया तो उससे हो जाएगा, तो वो घबराने वाली कोई बात नहीं, दिल बड़ा करना चाहिए बंदे को, कोई ऐसा इशू नहीं। ऐसी बाकी मैं नदीम भाई को, कामरान साहब को, जैन जाट साहब को, जितने भी दूसरे दोस्त जो हमारे इस फील्ड में हैं, मैं उन्हें यही कहूंगा कि आप अच्छी बात के ऊपर ज्यादा जोर दें, लोगों को बताएं कि पेडिग्री कबूतर लें, पेडिग्री लें, पेडिग्री लें, ना मुझसे लें, ना नदीम से लें, ना किसी और से। तो आपके पास तो पेडिग्री है, आप खुद दे दिया करें। मैं दे जिनके पास हजार हजार कबूतर है तो हम कहाँ से देंगे? ये, हमारे पास तो दो दो है। ये नहीं यासर भाई, आपको नहीं देंगे, बाकी बड़े बड़े स्पेशल लोग जो है ना इस्लामाबाद से जो है ना गाड़ियाँ भर के ले जाते हैं मेरे पास। अच्छा जी, ठीक हो गया। मैं किट बनाता हूँ, इस साल भी मैंने दोस्तों को तकरीबन 1000+ बर्ड दिए। माशाल्लाह। नहीं वैसे मजाकिया तौर से मैंने बात की है कि जितना हो सके जिससे हो सके, हमने देखे जो भी स्पेयर रखा है हमने वो अपनी पार्टी के लिए रखा हुआ, जो हमारे सही बात है। हमने जो पार्टी, हमें पता यार हमारा फलां दोस्त आगे आएगा ना तो हमने उसे देने हैं भाई, यार ये ले जाए। सही बात। और जहाँ पे हमारा फिर प्यार हो फिर हमने उन्हें तो देने ही देने। अरमगान भाई नाम ले रहे हैं अभी एक दोस्त का ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये अच्छी बात है। जाहिर है दोस्तों का नाम होगा तो अपना ही नाम है, ग्रुप का नाम होगा तो अपना ही नाम है। यार ये का नाम होगा तो अपना ही नाम है। ये काम एक, ये काम एक तजारत की तरह ही है, ये एक उंस और मोहब्बत की तजारत है। कबूतर बनते भी ऐसे हैं, बिगड़ते भी ऐसे हैं, लेन देन चलता रहता है, ये शौक का हुसन है। आप लोगे नहीं तो बनाओगे कैसे? कहीं ना कहीं से लेने ही है ना आखिर, शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी है, ये चलता रहता है। अभी लास्ट मैं एक छत पे गया हुआ था, फिर तजुर्बे वाली बात आपको बता दूं, मैं एक छत पे गया हुआ था, उसके ना जो मादियां आ रही थी ना वो बड़ी कमाल की आ रही थी। अब उसके पास ना दोस्त बैठे हुए थे, मैंने ना उससे पूछा नहीं, मैंने कहा यार हो सकता है नाम रखने के लिए बंदा कह देता हाँ हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैंने ना उससे पूछा, मैंने कहा यार साइड पे, मैंने कहा यार आपके जोड़े कहीं चेयरमैन साहब ने तो नहीं ये लगाए? वो ना खामोश हो गया, लेकिन वो फिर हम बात वो भूल गए ना, उससे साइड पे निकल गया। मैंने आगे उस्ताद जी से पूछा, ऐसे ऐसे मैंने फलां बंदे के पास दो उसके ना एक कबूतर देखे तो वो मुझे लगा जैसे, उन्होंने मुझे उनका नाम बताया, उनका कलर बताया, उनका साइज बताने का, वो जोड़े फलां हम लगाए थे, अब जब जाएंगे फिर शौक भी करेंगे। मैंने कहा जी क्या होगा जाएंगे तो, जब आप, मैं नहीं समझता कि आपको अपने कबूतर मेंटेन करने के लिए कहीं से कबूतर लाने की जरूरत है। जबरदस्त बात की है। आपको अगर पता है ना तो अब बहुत सारे घरों में मैंने देखे, मैं 25-25 साल से। मेरे एक दोस्त है, उन्होंने एक जुमला दिया मुझे, वो जुमला बड़ा शायराना सा और बड़ा गोल्डन वर्ड लगे। उन्होंने कहा हमारा अफसोस ये है, अलमिया ये है कि हम कबूतरों की ब्रीड के पीछे भागे, कहानियों के पीछे भागे कि ये कबूतर कैसे बना, क्या हुआ, ये हुआ। हमने कोशिश नहीं की कि हम अपने उस्ताद से सीख लेते कि अच्छे कबूतर क्या होते हैं और अच्छे कबूतर मेंटेन कैसे होते हैं। अगर हमने आज ये सीखा होता तो आज हम कामयाब होते, लेकिन हम भाग रहे हैं मोटीवाल के पीछे, माजून दवाल मिस जवारदार के पीछे, कोई जवार मोरा मिल जाए, कोई कस्तूरी मिल जाए। देखना हमारा, अब मेरा वेट है माशाल्लाह 110 और मैं दौड़ लगा लूं 70 के जी वाले के साथ में, मैं जीत सकता हूं। सही बात है, 100%। मेनू दो मोटी आल खवा दे तो उन्हें भाग कुछ भी ना खवा। ऐसे ही है। असल में लोग जो है ना किसी पे, वो बाबर भाई वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे, इस टाइम वो वहां बिजी हैं। मुझे बातें बड़ी अच्छी लगती बाबर भाई की ना, बड़ी खरी और सुची बातें करता बाबर भाई। ने एक बात की थी बड़ी जबरदस्त, उन्होंने कहा यार इन चक्करों में ना पड़े, बर्ड्स देखें। और वो उन्होंने अपने, आप तो खैर मतलब मीडिया आया ना, मीडिया का बड़ा फायदा हो गया, आप तो बाबर भाई सारे आम कबूतर अपने दिखा रहे हैं। उन्होंने जो कबूतर दिखाया, उन्होंने हर कबूतर की एक एक इंची बीची दिखाई बताया, फिर उसमें उन्होंने एक कसौटी भी रखी, एक पुराने कबूतर की आंख दिखाई, लोगों से पूछा कि भाई गैस करो ये कबूतर किस में से हो सकता है, ठीक है। लोगों ने अपने अपने हिसाब से गैस भी मारे, फिर बाबर भाई ने अगले दिन उसके माँ बाप भी दिखा दिए, हकीकत भी दिखा दिए। तो बर्ड ऐसे ही है कि जो बंदा सीखने का शौक रखता हो या जुनून हो ना वो सीख जाएगा। बाकी हम यहाँ जितना मर्जी बोल लें,
मैं बोल लूं, हैदर जो ये भाई बोल ले और कोई बोल ले, आपकी बात काट रहा हूं मैं अभी, हम बैठे ये डिस्कस कर रहे थे, आप मुझे, आपने कबूतर उड़ाया, आप चैंपियन हो, ठीक है ठीक है, आपने जो जो कुछ किया ना, आपने हल्फन मुझे एक लफ्ज लिख के दे दिया, दे ऐसे दिया, निकाला उसे, ये किया, ये दिया, ये लिया, फलां टमकान जो लिख के दे दिया, मैं उनसे चैंपियन क्या हो सकता है, मैं टॉप 20 में भी ना हूं। सही बात, क्योंकि असल काम जो ना वो मैंने नहीं किया, मैंने आपके साथ उसे एक्सपीरियंस नहीं किया, एक मरतबा, दो मरतबा, दस मरतबा, अब जो भी बंदा उसने एक साल कबूतर, अगले साल चैंपियन तो नहीं हो गया, उसे कोई 20-20 साल, किसी ने कोई 30 साल बाद, किसी की सारी उम्र ही गुजर गई, टॉप 10 में रहा चैंपियन नहीं हो सका, कोई ऐसे ही तो टॉप 10 में भी रहे लेकिन चैंपियन नहीं हो, नहीं हो। बात ये है, जब तक आपने अपने हाथ से करना नहीं है ना, करना नहीं है, आपसे कुछ सारी चीजें आपके लिए खुली, बिल्कुल बस बातें आप सुन सकते हैं, जितनी मर्जी हम भी कर लें, एक ही तनवीर सिद्दीकी, तनवीर सिद्दीकी भाई कह रहे हैं पहली दफा नदीम, नदीम सादिक साहब चुप है तो उनको बोलने दे, और नीचे एक और नदीम भाई की जगह, नदीम भाई की जगह नीचे एक और कमेंट आया है वकास, वकास विकी साहब का, वो कहते हैं हैदर भाई उधर जाके भी ध्यान कबूतरों की तरफ ही है, मियां विकी साहब आपसे पूछ रहे हैं, मियां विकी साहब ये तो फ्रेश होने के लिए ध्यान इस तरफ है ना, आउट उतर जानी, देखिए जी हैदर भाई, दोस्तों हैदर भाई बड़ी खूबसूरत बातें कर रहे हैं, और जब बंदा खुद ही बोले जा रहा हो ना तो उसे मेरे ख्याल में इंटरप्ट करना बंद है, जब किसी को बुलवाना पड़े ना फिर बोलना पड़ता है, अब भी कहने का मकसद, उनके कहने का मकसद है कि आज आप काबू सही आए हैं, उन्होंने ये नहीं कहा, उनका मतलब ये नहीं है कि हैदर भाई अच्छी बातें कर रहे हैं, उनका मतलब ये है आज आप काबू सही आए हैं, जिदो के ना तवा लवाना है फिर बोल दे, सिंपल भाई पता है तो जवाब दे रहा है, नहीं पता तो वो भी जवाब दे रहा है, भाई नहीं पता है, ठीक है सही, तो ऐसी है जिंदगी लगी हुई है, शौक ऐसी, शौक से कितने ताल्लुक बनते हैं, जो जेड की कबूतरबाजी को मुश्किल समझा जाता है, हम लोग मुश्किल हैदर भाई, ये बिलाल राजपूत साहब आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हैदर भाई वालिद साहब की सेहत के लिए दुआ की दरख्वास्त है, ये लाजमी ज़हन में रखिएगा जी, बिलाल भाई मैं इंशाल्लाह कल, मैंने उमरा करना है तो मैं इंशाल्लाह जरूर, अभी भी हम मक्का में बैठे हैं, अल्लाह पाक आपके वाले साहब को सेहत तंदुरुस्ती अता, आमीन आमीन सुम्मा, और सारे मैं इंशाल्लाह जी, मैं उमरे में जब जाऊंगा तो मैं जरूर दुआ करूंगा, फिर आपका नाम लेके करूंगा जी। जी भाई जान आप बोल जी, मैं कह रहा हूँ की कॉमन जो गलतियाँ होती है, एक तो वो बताए, दूसरा ये की जो डरते हैं, आया क्या वही लोग ज्यादा कबूतरों को खराब करते हैं, ठंडा करते हैं, तो कहाँ कबूतर रखने चाहिए, किस रुख पे रखने चाहिए, जेठ के अंदर गर्मी के अंदर क्या मैं, क्या उसमें अमल दखल होता है, खुराक जी, मैं आपका सवाल समझ, अगर आप नए शौकीन है ना, आप उड़ना ही चाहिए, ठीक है, और बिल्कुल सादा उड़ना चाहिए, बगैर किसी, वो कहते हैं ना कि वो जो प्रैक्टिकल होता है ना, ठंडा करो गर्म करो, फिर उनसे संभाल, बिल्कुल सिंपल सादा उड़े, और उड़े भी सिर्फ जेड़, जब आप जेड़ उड़ने लग जाएंगे तो बाकी आपको तो सिर्फ वो खेल तमाशा ही लगना है ना। ठीक हो गया, एक चीज और होगी, अब बताएं मुझे जो कंट्रोल होता है खुराक का, वो थोड़ा सा बता दें, गर्मी का जो जेड़ की होती है खुराक, जो असू की होती है चेतर की, इसमें क्या डिफरेंस होता है लवाजमात का और मौसम के हवाले से, जैसे बदाम है फॉर एग्जाम्पल, हम भिगोते हैं उन्हें, भिगोते हैं कितनी देर, भिगोते हैं उनकी तासीर क्या हो जाती है, नहीं भिगोते उनका क्या होता है, हर बंदे की डिफरेंट, मैं नहीं आपको बता सकता, मैं अपना तजुर्बा, आप मुझे अपना बताएं, अपना बताएं, वो ऐसे करें फलां करें, वो मुझे नहीं उन बातों का पता, मुझे अपना पता, हम लोग रात को भिगोते हैं और सुबह देते हैं, वो कहते हैं 5 मिनट पहले, सारे करते रहे, बहुत भी करते रहे, लेकिन ये कि हम लोग रात को भी होते हैं सुबह देते हैं, गर्मी में कबूतर खुराक कम खींचता है, कबूतर के ऊपर उतना ही बर्डन डालें, मौसम कोई भी हो, हैदर भी रुकिएगा, एक बात मुझे करने दें, और दूसरी बात ये है जो सबसे अहम बात है, 2 घंटे उड़न वाले 2 घंटे वाली खुराक दो, 10 घंटे वाले 10 घंटे वाली खुराक, हैदर भाई उमर मुगल साहब अपने बेटे के लिए दुआ का कह रहे हैं, वो ये भी उमर मुगल साहब उनके बेटे की, और बिलाल राजपूत साहब उनके वालिद के लिए,
देखें जी, जितने भी दोस्त भाई हैं हम लोग अल्लाह के घर बैठे हुए हैं, जो भी आपकी नेक तमन्नाएं हैं, हम इधर मक्का में बैठे हुए हैं, अल्लाह पाक आपके वो नेक तमन्नाएं पूरी करें। जिनके बेटा वालद वगैरह बीमार हैं या किसी की अल्लाह ने साहब औलाद नहीं किया तो अल्लाह पाक उन्हें औलाद दे। हम ये रोजा रसूल में भी जाके दुआ करेंगे उनके लिए। आप भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक हमें इम्मान दे। आमीन आमीन, क्यों नहीं जी। अब आप सारे भाई करें, मैं निकल रहा हूँ बाहर, मैं इजाजत ले तुम सबसे, फिर इंशाल्लाह आके गप लगेगी। बहुत मजा आया आज गप लगा के। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़ जी। जवैया भाई, मेरा सवाल थोड़ा सा और है साथ में, अगर आपको तंग ना हो तो। नदीम भाई आप भी हम हो चुके, मैं जरा खेल लू शादी को, हम लेदा बैठे थोड़ा थोड़ा। और साजी, कबूतर का कैसे जज करेंगे कि इस कबूतर को कितनी खुराक चाहिए उसके हजम के हवाले से? जी जी, देखिए मैं इस तरह नहीं भाई, मैं आपको बता दूं मैं क्या करता हूँ, मुझे किसी का नहीं पता मैं क्या करता हूँ। एक मेरा कबूतर उड़ के आया जी, 10 घंटे उड़ गया है, आज मैंने उसे दी है 5 गोलियां दे दी, उड़ के आया, मैंने उसे संभाला, संभालने के बाद 5 गोलियां दे दी। अब जब मैंने नेक्स्ट डे उसे देखना है, रात छोड़ने के बाद नेक्स्ट देखना है, मैंने देखना है कि उसने खुराक कितनी जल्दी खींची है। अगर फॉर एग्जांपल मैं सुबह 4 बजे जाता हूँ खुड्डे में और वो खींच गया, इसका मतलब है अगले दिन मुझे 5 की बजाय 7 देनी चाहिए, ठीक है? मैं इस तरह उसे कंपैरिजन करता हूँ, मैं उस टाइम पे देखता हूँ। मेरा कबूतर 5 बजे तक 2 लेके जाता है, 10 लेके जाता है जी, तो मैं इस तरह कंपैरिजन उसे करता हूँ। ये ठीक हो गया, यानी कि आपका तोल ये है, परवाज के हवाले से आप तोलते हैं, परवाज कितनी, परफॉर्मेंस कितनी है, ये तोल है आपका? बिल्कुल ठीक हो गया, यानी कि आप उसको फिर वो अभी मैं भी ज्यादा चाहूंगा, खाना शाना हमारा आ गया तो अभी मैं भी ज्यादा चाहूंगा, तो कह रहे हैं आज हैदर भाई थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह आपका उमरा को शुक्रिया, चेयरमैन साहब को भी, मनीष साहब को भी। पेडिग्री नु ज्यादा प्रमोट करो बजाय इस दे के परां उंगलां ते हड्डियां जोड़ा तो बाहर आ जाओ, समझ तो तुसी गया ही जे। अल्लाह हाफिज़ जी। नदीम भाई, आपने देखा मैंने छेड़ने की बड़ी कोशिश की है, साजी उस तरफ पूरे नहीं आया। अभी मैंने नेक्स्ट करना था कोशिश कि कबूतरों की जो खुराक का तोल होता है ना, जो तोल वो बहुत जरूरी होता है, और मौसम के हवाले से जैसे हम भाई लोग ऐड करते हैं मनक्का, काली मिर्च भी कुछ डालते हैं मौसम के हवाले से, मोटी इलायची, ठीक है? तो इन चीजों का और पानी का, जो आपने आज का क्वेश्चन था पानी का क्या रोल है, जब शुरू करते हैं हम जो, अगर अब इसे वाइंड अप करना है जो भाई के क्वेश्चन होंगे किसी के, हम उसे ले लेंगे बीच में। इसमें क्या होता है, जब हमने कबूतरों को बाहर निकाला ना खुड्डे से, बाहर निकाल दिए, जो भी आपका तरीकाकार है जैसे आप बाहर निकालते हैं, इसमें भी 2 चीजें होती हैं। इसमें अगर आपके कबूतर जाया हो रहे हैं ना, पहले दिन उड़ के 10 जाया हो गए 12 जाया हो गए, तो आपकी वो संभाल जो खुड्डे के अंदर आपने चीजें डाली वो गलत है, वो खराब है, कबूतरों का कंट्रोल से बाहर हो गया कबूतर, उनको कंट्रोल में करके आपने बाहर निकालना। एक चीज ये होगी, पहले इस चीज पे फोकस करें, कंट्रोल होगा आपके कबूतर जाया नहीं होंगे, ठीक है? आपके विकेट जाया नहीं होंगी, वो बच जाएंगी, एक चीज ये हो गई। दूसरी, इस चीज पे फोकस करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कबूतरों को बाहर निकालना, आपने पानी नहीं बाहर रखना। जब कबूतर कच्चे है ना, आपके कच्चे कबूतर क्या मतलब, उनके परों में, उनकी कसों में पानी होगा, हड्डी उनकी गोश नरम होगा, पानी नहीं बाहर रखना किसी किस्म का भी। अगर छत पे कोई नल है तो उसके भी कोशिश करें कि ड्राई रहे, कबूतर बाहर रहे। आप 11 बजे निकालते, 12 बजे से 5 मिनट पहले निकालते हैं, निकाल मैं कबूतर 12 बजे से पहले 5 मिनट निकालता हूँ, क्योंकि उस वक्त सूरज बहुत तेज होता है सामने, तो उस वक्त निकाल दिए, कबूतर आसमान नहीं जाता, आसानी से आसमान नहीं जाएगा, नीचे होके बैठ जाएगा, ठीक है? नया कबूतर जाया नहीं होता, ये टिप दे दी मैंने आपको, सारे नए जो भाई हैं उनको दे दी। तो उससे क्या होगा, एक दिन निकालते, 2 दिन 3 दिन, जो कबूतर आपके देखेंगे, आपके कबूतर आके जहां पे बनते, जो दोस्त कहते हैं कि मेरा कबूतर यार बनता नहीं, ठीक है, पीछे ले आते हैं कबूतर, जा रहा है आपका 3-4 घंटे 5 घंटे गया, फिर आधे घंटे पे आ रहे, कबूतर लोगों के सूज जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, कसों में फिर पानी पड़ जाता है, कबूतर तैयार नहीं हो जाता, कच्चा हो जाता है, वो किस वजह से होता है? वो पानी की वजह से। और किसी वजह का कबूतर उड़ के आएगा पानी, या ठहर के पानी पी रहा है कच्ची खेतों के लिए आपने निकाला, वो और पानी खराब ही होगा, वो बनेगा,
फिर कहते साडा कबूतर नहीं बनता पा उस्ताद जी पता नहीं की हो गया कबूतर नहीं बनता पा चार घंटे लाता सी हूं फिर 15 मिनट से आ गया तू ठाप मारता वह लैट से बह जाता तू ठाप मारता पर लैट से बह जाता मैं बड़ा डंडा मारा तो भाईओ उसके लिए ये है कि पानी ना पहले बाहर रखे जब कबूतर आपका भाग के आसमान जाना शुरू हो जाए गहराई पकड़े और परवाज करके आए उसे हाथ में पकड़ के देखे उसका जिस्म बनने की तरफ आया ठीक है उसकी हड्डी उसके जोड़ उसकी बीट चेक करनी शुरू कर दे फिर पानी रकाबी छोटी सी रखें कोसा पानी रखें सादा कोसा पानी जैसे नदीम भाई ने बोला सादा पानी अरगमान भाई ने उस्ताद है वो अपना जोया भाई उन्होंने बोला है कि सादे पानी से सादा पानी दे के कबूतर बाहर छोड़ता था सुबह की बात की उन्होंने आयो की भी विकास भाई ने बात की है 10 साल से वो चैंपियन माशाल्लाह कबूतर उड़ा रहे हैं दुबई में गर्मी में कबूतर उड़ा रहे हैं जाहिर है संभाल तो संभाल होती है बिगड़ते भी हैं कबूतर सादे पानी से तो सादे पानी से मुराद ये है कि कोई उसमें मशरूब ना डाले ये जो है ना ग्लूकोज ये फलाना टिमजाना ये कबूतर को खराब करता सही नहीं करता ठीक हो गया अब अगली बात कबूतर को लेके चल रहे हैं कबूतर को खुराक कब डालनी ठीक है और जो बाहर कबूतर निकाले उनको क्या दाना डाल इसमें दो तीन चीजें अब अगर आप छत के ऊपर रह रहे हैं टाइम दे रहे हैं कबूतरों को फिर तो कोई मसला नहीं उनको बाजरा डालते जाए या थोड़ी सी गंदम थोड़ी सी ना होने के बराबर अगर आपके कबूतर कटीले हैं यानी कि आपके पास स्टैडी कबूतर है कमग्गर कबूतर है मैं सियालकोटियों की बात नहीं कर रहा ये दो कबूतर है कटीले कबूतर है कम रस वाले कबूतर है ठीक है ऐसे अकड़ के खड़े होते हैं वो तो जल्दी तैयार होंगे जो कबूतर है आपके दूसरे सियालकोटी कबूतरों में कह रहे रस वाले कबूतर है जरा कश्ती हड्डी के ज्यादा गोल हड्डी के बड़े पेटों के थोड़े से कह रहे हैं क्योंकि अब बिगड़ गए हैं कबूतर सियालकोटी ना लोग वो करोड़पति लोग हैं उन्होंने छुपा के रख दिए कोठियों के अंदर बंद कर दिए बाहर ही नहीं निकालते भाई कमरों के अंदर ही उन्होंने जोड़े दिए बच्चे चौथी पांचवी नस्ल अच्छा अब वो क्या है वो टाइम लेते हैं उनको बाजरा डालो खुश्क करो अंदर से इतना खुश्क कर सकते हो डंडे मारते जाओ वो टाइम लेंगे तैयार होने ये जो टैडी कबूतर है कमग्गर कबूतर है ये तो ऑलरेडी तैयार है तीसरे चौथे दिन उन्होंने कहना है कि सानू ना हूं सामने तेरी मेहरबानी साढ़े अंदरू आया जरा तू पहले पाया तीन वो निकलने नहीं देना जो तीन महीने पहले डाला ना वो निकलने नहीं देना कबूतरों का जाया नहीं होने देना आपने देखना उससे आया कबूतर देखेंगे कबूतर बीट कर रहा है क्या इसने चर्बी निकाली अब इसमें भी दो किस्म की चर्बी निकालते हैं कबूतर एक तैयार कबूतर जो चर्बी निकालेगा व्हाइट बीट मारता है वो नुकसानदेह होती वो कबूतर उन्होंने कहते हैं पंजाबी खुरदा कबूतर वो कबूतर अपने बैंक जाया कर रहा होंगे वो नहीं अच्छी होंगी तरी खत्म हो रही है एक दूसरी होती है तीली बीट कबूतर करता है कच्ची फिरतों के अंदर वो करेगा वो अच्छी होती वो उसकी एक्स्ट्रा फैट्स जो होती है ना वो निकलती है वो निकलने दे कोई बात नहीं सादा पानी दे दिया करे कोसा उसे आए वो निकाले वो बुरी नहीं है जो वो होता क्या है जो हम डालते हैं ना देसी घी डालते हैं कबूतरों को बैड फैट्स हो जाती है बैड फैट समझते हैं चले इस पे थोड़ा सा बता दो गुड फैट्स और बैड फैट्स थोड़ा सा फर्क है इनमें बैड फैट से मुराद वो चीजें जो हमें तंग करती वो चर्बी जो हमें तंग करे और गुड फैट से मुराद वो चर्बी जो हमारे लिए अच्छी है ठीक है जो हमारी कबूतर को सीधे लफ्जों में तरी इतनी देनी चाहिए कि वो उसे रोजाना की बुनियाद पे कंज्यूम करे बस इतनी सी बात चाहे वो आप घी की शक्ल में दे रहे हैं चाहे वो बादामों की शक्ल में दे रहे हैं चाहे वो मक्खन की शक्ल की शक्ल में दे रहे हैं लतून की शक्ल में दे रहे हैं मलाई की शक्ल में दे रहे हैं किसी भी शक्ल में दाना, दाना, दाना इसके अलावा यासर भाई दाना भी तरी वाला होता है तो तरी वाला दाना किस तरह आप इस्तेमाल कर रहे हो ये हमारे जो यहाँ पे सबसे बड़ा नुक्स है ना खासतौर पे कबूतर परवरों में वो दाने की उन्हें मटेरियल नहीं पता उसमें कितनी चिकनाई पाई जाती है ऑयल पाया जाता है ड्राई है क्या ये नहीं पता ये बहुत बड़ा जो है ना वो नुक्स है और इसी वजह से कबूतर ज्यादा जाया भी होता है एक जो कुदरती तौर पर जो फैट्स कबूतर दाने से ले रहा होता है बाहर से हम अगर उसे ऐड करते हैं जो दाने से फैट्स लेगा वो जल्दी उसके अंदर एडजस्ट होगी और उससे जाया भी नहीं होगा जो हम बाहर से देते हैं बाज़ूकात जाया होने की रेशियो इस वजह से भी होती है अच्छा यासर भाई अब इजाजत ले अब इजाजत लेते हैं कल इसी से ये टॉपिक दोबारा शुरू करते हैं ठीक है इंशाल्लाह जरूर ठीक है चले थैंक यू यार बहुत शुक्रिया अच्छा दोस्तों अल्लाह हाफिज दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा आज कंप्लीट नहीं कर सके इंशाल्लाह कल दोबारा यहीं से ये टॉपिक दोबारा शुरू करेंगे कल तक के लिए दीजिएगा इजाजत दुआओं में याद रखिएगा हमेशा
हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, अपनी फैमिलियों में रहें और दुआओं में याद रखिएगा। फीमान अल्लाह हाफिज़।